आर वी लाइफ ओके तो आप लोग की चैट्स नहीं आ रही हेलो आप लोग हो कभी तो क्या हम लाइव हैं ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बस दो मिनट रुक जाइए इस पर हम वो कर दें टेलीग्राम में तब तक आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में चलिए आगे सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार आप लोग और मैंने यहाँ पर कर दिया है आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है बहुत बढ़िया हम लोग आज पढ़ेंगे ठीक है आप लोग के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं इसमें ओके ओके चलिए शेयर कर दिया आप लोग ने आज देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे ना कि हमने दो क्लास की ठीक है एक हमारी क्लास थी एक बार साउंड वगैरह चेक कर लेंगे हमारी दो क्लास थी एक हमने क्लास की थी एडिशन पे सबट्रैक्शन पे पहली क्लास की थी उसके बाद हमने सेकंड क्लास की थी क्या बोलते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन हमने काफ़ी अच्छा सीखा था और हमने इवन प्रैक्टिस भी की थी अगर आपको याद हो तो हमने तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी की थी ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग फूडी आ गए हैं रोशनी झा आ गई हैं आरमन तिवारी सभी लोग आ गए हैं ठीक है सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग जितना हो सकता है गुड इवनिंग गुड इवनिंग विवेक गुड इवनिंग रिशिका ठीक है तो ये दोनों हमने क्लास की थी आज मल्टीप्लिकेशन के थोड़ी सी चीज़ों को लेके उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे अपने डिवीजन वाले सेक्शन पे क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट होता है ना ये इस तरह की चीज़ें निकालना ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत हेल्प करेगा जब आप डी क्वेश्चन लगाओगे ना कई बार ऐसा क्या होता है कि हमको कहीं से जल्दी से डिवीज़न करना होता है और मान लीजिए इतना बड़ा डिवीजन हमारे सामने आ जाता है तो वहाँ पर एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं ब्लैंक हो जाते हैं वो सिखाऊंगा कैसे ये जल्दी से क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकालना होता है कि भाई ये इसका कितना परसेंट है तुरंत ही आप बता पाओगे ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट है यह सब चीज़ें कैसे सीखेंगे इसको दस सेकंड लिखा है मैंने स्विंग करके दिखाऊंगा आपको जल्दी से कैसे करेंगे वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आवाज़ वगैरह आ रही है क्या कौन लिख रहा है साउंड प्रॉब्लम है कब कब क्लास होती है हमारी क्लास होती है मंडे वेंसडे फ्राइडे को शाम को आठ बजे ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग होमवर्क दे देना आज बिल्कुल दूंगा होमवर्क बिल्कुल दूंगा मैं और ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ठीक है तो ये बहुत आपको काम में आती है और ये जब देखना मिल, जब देखते हो ना तो उस समय तो बहुत हेल्प करता है आपको ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल होमवर्क दूंगा चलिए स्टार्ट करें क्या सब कुछ परफेक्ट है साउंड वगैरह सेशन को शेयर कर दिया आपने आप, आप अपना कर्तव्य निभा दिया आपने चलिए देखिए दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ना आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो एकदम अच्छे से करते रहो और अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया मत करो ये जो हमारा पूरा टाइम होता है ना जितना आप अभी जिस फेज़ में हो स्टूडेंट के फेज़ में आपका हर सेकंड हर मिनट जो है ना सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में आपका दिमाग में थाट्स चलने चाहिए उसके अलावा कोई फालतू थाट्स नहीं चलने चाहिए क्योंकि अपनी तैयारी का ये जो पूरा समय है ना इसका अगर आप हर बिट यूज़ करोगे तब जाके दोस्तों सिलेक्शन होता है ठीक है सिलेक्शन लेना आज की दुनिया में आज के जग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि भीड़ इतनी है अवेयरनेस बढ़ गई है और आपको पता है गवर्नमेंट भी इस समय काफ़ी लगी हुई है तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको अगर एक छोटे से छोटे लेवल का भी एग्जाम आप देखोगे ना सोचो आर बी असिस्टेंट जैसा हो गया क्लर्क हो गया जहाँ पे ईजी सवाल आते हैं उसमें भी आपको एज करना होता है क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे सौ सौ अटेंड करके चले आ रहे हैं अब सोचिए जितने मार्क्स का पेपर हो रहा है आप उतना पूरा अटेंड कर दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको उनसे आगे निकलने के लिए भी वहाँ तक जाना पड़ेगा तो इसलिए हमको अपनी तैयारी को एकदम अप टू द लेवल टॉप नॉ जिसको बोलते हैं वो रखना पड़ता है और यही बात है और देखिए आप में से मैक्सिमम लोग जो हम देखते हैं हमारा चैनल हमको पता है 20 से 30 साल के सब लोग मैक्सिमम लोग आप लोग यही हो ठीक है तो ये जो उम्र होती है यार ये बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल उम्र होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी इस आपके पास है सबसे ज़्यादा टाइम है अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए तो अपना अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ करिए तो जो एनर्जी जो अभी है बाद में ये एनर्जी आती नहीं है ठीक है बाद में छब्बीस सताईस के बाद जब आप तीन अटैम्प्ट देते हो चार अटैम्प देते हो ना फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगती है यार होगा नहीं होगा फिर अपने दिमाग में डाउट डाउट्स आने लगते हैं सेल्फ डाउट जिसको बोलते हैं ना कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा दो अटैम्प दे दिया तीन अटम्प दे दिया तो जब भी आप पढ़िए एकदम मैं यही बोलता हूँ कि एकदम सीरियसनेस से पढ़िए अच्छे से पढ़िए जिस तरीकों को जैसे मैंने आपके क्वार्ट का ज़िमा उठाया है और ये मैं बहुत दिन से बोल रहा था बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था आप भी लोग बोल रहे थे कि जिस तरीक़ों से मैंने क्वारंट में चीज़ें अचीव की हैं सीजन में जब मैंने पेपर दिया था मुझे याद है जो पंद्रह नंबर की हमारी शिफ्ट थी टफे शिफ्ट थी तो उसमें जो मेरा फाइनल स्कोर बन के आया था दो आया था दो में से उसमें हो जाता है ऐसा नॉर्मलाइजेशन अजीब सा लेकिन जो रॉ मार्क्स थे तब भी वो भी वन के आसपास थे उस तफे पेपर में तो तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से आपको काम करना है और ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ एडिशन अपट्रैक्शन ये आपका ना बेस मजबूत कर देंगे फाउंडेशन स्ट्रांग कर देंगे जो कि आगे आपको जब मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा डी आई करूंगा वहां बहुत काम आने वाला है ठीक है ये बात समझ में आ गई तो आप लोग जरूर अपनी जो पूरा है वो ख्याल रखिए कल एक दोस्त से बात हो रही थी मतलब दोस्त क्या वो बेसिकली ये था एसपेरेंट है इंस्टाग्राम पे विशाल नाम का तो बेचारे ने तीन चार बार से तैयारी कर रहा है और यही प्रॉब्लम हो रही कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है कहीं दिक्कत आ जा रही है कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है तो वही प्रॉब्लम है उसका भी वही कहना था कि फिर लास्ट में उसने लिखा कि सर बात हुई मेरी कॉल पर तो मैंने उसको उसको ऑडियो कॉल पर कनेक्ट किया समझाया कि कैसे क्या क्या दिक्कत रह गई है वही चीज़ उसने बोली सर कभी कभी सीरियसनेस थोड़ा कम हो जाती है कम पढ़ाई करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ठीक है तो उस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जब भी पढ़िए अपने शिद्दत से पढ़िए सपना देखिए जो दोस्त था उसने यही बात लिखी कि सर लास्ट में इसने ये लिखा कि सर अब जो है मुझे अपने मम्मी का सपना जो है ऑफिसर बनने को पूरा करना है ठीक है तो ये पूरा करिएगा क्योंकि जब दोस्त लोग का हो जाता है आसपास वालों का हो जाता है और जब उनका फ़ोन आता है ना दोस्त कि मेरा भाई हो गया तेरा हुआ कि नहीं हुआ तो उस समय बहुत ख़राब लगता है इसीलिए आप जब भी पढ़िए अभी जैसे आपके पास तीन महीने हैं तो आपको पता है हम अभी कौन कौन से एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं आपके ये सब अपकमिंग एग्जामिनेशनस हैं आर बी आई असिस्टेंट एल आई सी डब्लू ओ इसमें ए डी ओ भी आएगा आपका कित एस एल चल रहा है ए सी 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 पी ओ आएगा फिर आपके ये सब एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे एस बी आई आई बी पी एस के ठीक है तो इनको टारगेट कर रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ते रहो जितना लगन से आप पढ़ सकते हो ठीक है चलिए सेशन को आज के स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये सब बहुत जरूरी बातें होती हैं कहना जरूरी होता है आपको रिमाइंड करवाना होता है जिससे आप लोग बने रहिए तैयारी में ठीक है चलिए जो हमारी पिछली क्लास थी मल्टीप्लिकेशन की तो जो हमारी पिछली क्लास मल्टीप्लिकेशन की थी वो यहीं पर खत्म हुई थी कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने के कुछ तरीके बताए थे टू डिजिट्स के भी थ्री डिजिट्स के भी और मैंने समझाया था कि कैसे वो तरीके आपको मन में करना होता है कि मैं अगर बोल रहा हूं कुछ पच्चीस 25... ठीक है उसमें अगर कुछ ऐसा लिखा होता है कि लाइक पच्चीस या फिर छब्बीस इंटू आ, मुझे बावन कुछ ऐसा करना है तिरपन करना है ऐसा तो कैसे हम लोग करते हैं मैंने बताया था छब्बीस इंटू पचास करेंगे फिर छब्बीस इंटू तीन अठहत्तर करेंगे फिर उनको मन में जोड़ेंगे ये सब मैंने आपको समझाया था ठीक है आज हम बात करेंगे दो तीन एस्पेक्ट पे मल्टीप्लिकेशन के फिर जो डिवीज़न वाला है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है बस समझ में आ रही है अच्छे से चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए वो सारे नंबर जो कि कहीं ना कहीं आपके पाँच के पावर होती है ना पाँच के पावर का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए ठीक है जैसे तो हमको पता है दोस्तों पाँच की पावर एक होता है हमारा पाँच ठीक है पाँच की पावर से दो होता है हमारा आपको पता है पच्चीस ठीक है पाँच की पावर आप तीन लिखने जाएंगे तो ये होता है एक सौ पच्चीस ठीक है पाँच की पावर आप चार लिखेंगे तो आपको पता है छः सौ पच्चीस होता है ऐसे पाँच लिखेंगे तो वो तीन हज़ार एक सौ पच्चीस होता है ऐसे आप पाँच की जो पावर्स होती है ना तो पाँच की पावर्स का एक स्पेशल फॉर्म होता है उनको लिखे जा लिखा जाता है स्पेशल तरीके से जैसे पाँच की पावर आप एक लिखोगे तो उसको पता है हम दस बाई दो लिखेंगे ठीक है पाँच की पावर दो जो कि होता है पच्चीस उसको हम सौ बाटे चार मतलब दस का स्क्वायर बाई दो स्क्वायर ले सकते हैं ना ठीक है ऐसा जो पांच की पावर तीन है इसको हम क्या ले सकते हैं हजार बाई आठ ले सकते हैं क्या एक हजार बाई आठ ले सकते हैं ठीक है ऐसा जो हमारी पांच की, की पावर चार है इसको हम क्या ले सकते हैं पांच की पावर चार को क्या लेते हैं बताइए ठीक है ले सकते हैं दस हजार बाई सोलह तो होता क्या है कि जब कभी भी आपके पास चलो मान लो पांच से पांच से कर लेते हो मान लो पच्चीस दिया है एक सौ पच्चीस दिया है छह सौ पच्चीस दिया तीन हजार एक सौ पच्चीस दिया है तो वहां पे इनसे मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं इनको इस फॉर्म में लिख के और चार आठ दो इनसे डिवाइड करना आसान हो जाता है तो इस तरीके को हम यूज़ करेंगे और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करेंगे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है चार सौ ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ चार सौ ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको पाँच से न मल्टीप्लाई करके और ये सब मन में करते हैं आप सुनते सोचोगे दस बाई दो होता है दो से इसको डिवाइड कर लोगे आंसर लिख दो डायरेक्टली लेकिन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ हम पाँच को क्या लिखेंगे दस बटे दो लिखेंगे अब दो से इसको भाग देना आसान है आप आराम से इसको भाग दे दीजिए आ जाएगा दो ये तीन और ये चार और एक जीरो जो यहाँ पे उसको चिपका देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा तेईस सौ चालीस ये बात पता है आपको ठीक है ठीक है बढ़िया ओके अब मैं कुछ और नंबर सेता हूँ जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लीजिए जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कुछ छः सौ बहत्तर ओके आराम से जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर ले लेते हैं कुछ छः सौ बहत्तर ले लिया जब कोई फोर डिजिट नंबर ले लीजिए पाँच ले लीजिए या फिर पाँच ले लीजिए कोई बात नहीं अब इसको मान लीजिए पाँच से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो अपन वही करेंगे इसको हम क्या करेंगे दस बाय दो लिखेंगे अगर इसको आप दस बाय दो लिखेंगे तो दो से इसको भाग देना आसान है कैसे करेंगे तीन बहुत तो बहत्तर होता है मेरा छत्तीस जाएगा पाँच ये मुझे ढाई दे, दे देगा टू पॉइंट फाइव लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे दस से गुणा होने वाला है तो ये पच्चीस हो जाएगा दशमलव हटा देंगे ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को बताइएगा कॉमेंट्स में समझ में आ रहा है ऑल ओके है ठीक है, अच्छी ट्रिक है ओके तेईस सौ चालीस ठीक है ग्रेट ठीक है तो ये फायदा होता है अब आप लोग भैया चलो पांच से करना तो आसान है जो बड़े नंबर समझ में दिखाओ ना अब चलिए ये करते हैं आप लोग मुझे इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग के आंसर देख रहा हूं बताइए बताइए सब लोग बताइए ठीक है ठीक है लोगों के आ रहे हैं नहीं नहीं अभी अभी नहीं है किसी का ठीक है चलिए इसका देखिए कितने होगा इसको आप क्या लिखोगे सौ बाई चार लिखोगे चलो मैं करता हूँ जल्दी से देखिए इसको हम लिखेंगे क्या सौ बाई चार लिखेंगे फिर चार से इसको मैं देखिए डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए अभी लेकिन मैं डायरेक्टली वैसे डिवाइड करूंगा सौ बाई चार लिखेंगे अब चार से इसका डिवीजन करना आसान है देखिए दो तरीका है एक तरीका जो आप ट्रेडिशनल तरीका करते हो मैं समझाता हूँ कि छा छठ छप्पन यहाँ पर लिखा है और जब आप चार से भाग करते हो ना एक तरीका तो आप लोग करते हो चार एकम चार काटोगे ऐसे काटोगे लेकिन थोड़ा तो डायरेक्टली सोचने की भी आदत डालिए जैसे हमको पता है ये ना चौंसठ सौ प्लस दो सौ छप्पन है आप ध्यान से अगर देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे चौंसठ सौ प्लस दो सौ छप्पन ठीक है और ये लिखना नहीं होता है, ये मन में सोचना होता है अब मुझे पता है चौसठ सौ सो जाएगा सोलह बार सॉरी हाँ सोलह चौके सोलह सौ बार और ये आपका जाएगा सोलह चौके सॉरी चौसठ चौके दो सौ छप्पन सोलह तो सौ और चौसठ इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सोलह और दो जीरो और लगा देंगे यही आ रहा है आप लोग का ठीक है तो ये आप क्या है जल्दी इसको डिवाइड कर सकते हैं ठीक है ठीक है बात में आ गई चलिए ऐसे अगला वाला जल्दी से बनाइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए कितना कितना आ रहा है बढ़िया से पढ़ते जाइए आप लोग ठीक है आंसर कर रहे हो कई लोग अठारह की जगह सोलह होगा कहां लिख दिया मैंने अठारह चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से ठीक है ग्यारह सौ चार डबल जीरो बता रहे हैं ठीक है देख लेते हैं जल्दी से अब देखिए एक सौ पच्चीस को मैं क्या सोचूंगा आठ हजार सॉरी एक हजार बाई आठ सोचूंगा अब देखिए ऐिर से वही चीज हो गई आठ को मैं डायरेक्टली डिवाइड करूंगा ध्यान सुनिए अट्ठासी सौ जाएगा ग्यारह ग्यारह सौ बार बत्तीस जाएगा मेरा चार बार तो ग्यारह सौ चार तो हो ही गया और तीन जीरो यहां भी आपने रखे थे उन तीन जीरो को भी यहाँ चिपका दीजिए ठीक है तो ये फायदा होता है अगर आपको ये पता है नंबर एक जो होता है एक हजार बाई आठ होता है छह सौ पच्चीस दस हजार बाई सोलह होता है पच्चीस सौ बाई चार होता है ठीक है नेक्स्ट वाला बनाइए जल्दी से कटाख से करिए ये वाला कटाख से करिए जल्दी से ये वाला बताइए कितना आ रहा है हाँ हाँ नहीं किसी ने लिखा है कि ग्यारह चार नहीं नहीं ग्यारह सौ चार होगा ना चलिए बोला बताइए से देखिए ध्यान से ध्यान सुनिएगा और मैं तरीकों को सुनिए जो मैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ इसको हम लिखेंगे दस हज़ार बाई सोलह मैं लिख दूँ ठीक है वैसे मन में आप क्या करो दस हज़ार बाई सोलह आपने लिखा अब देखिए सोलह को इससे डायरेक्टली डिवाइड करने की कोशिश करिए ये क्वेश्चन पता है जब एग्जामिनेशन एग्जामिनर बनाता है तो सोच के बनाता है कि बच्चा ये रूल यूज़ करेगा ये सारे उठाए हुए क्वेश्चन है आपके कभी अभी एस बी आई तो होता क्या है, कि आपने करना है, से यहां पे क्या है ना तो यहां से निकालो, तो चला जाएगा दो सौ बार सुनना। दो सौ बार चलाएगा बत्तीस सौ और एक सौ छिहत्तर अलग से आ जाएगा एक सौ छिहत्तर क्या होता है सोलह इंटू ग्यारह होता है ठीक है तो दो सौ में निकाल लिया अलग से और हाँ दो सौ और ग्यारह मैंने अलग से निकाल लिया ये हो जाएगा दो सौ ग्यारह बत्तीस सौ और ये आपका जितने जीरो हैं चार जीरो वो आ जाएगा चेक कर लो ये आ रहा है कुछ गलत तो नहीं हुआ है ठीक है ईजी है ना तो ये तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आप पांच के नंबर्स को हो ऐसे यही डिवीजन में काम में आएगा अभी मैं डिवीजन में दिखाऊंगा ये काम में आएगी ठीक है तो ये बात आप ध्यान रखना और ये तरीके ध्यान रखना अच्छा ये यहाँ पे सॉरी अच्छा ये बोल रहे थे आप लोग ये यार टाइपिस्ट ने गलती कर दी होगी यहाँ पे चार हो जाएगा और ये सही है और यहाँ पे सोलह हो जाएगा ठीक है इनको याद रखना है बहुत काम में आते हैं चलिए अगले टेक्निक बढ़ते हैं चलिए अब आप में से कई लोग ये बताओ मुझे साढ़े चार सौ लोग लाइव देख रहे हैं कि आप में से किसको ये तरीका पता है ये शॉर्टकट कुछ होता है ये पता है बताइए कितने लोग को पता है, पता है ये तरीका बताइए जल्दी से मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसकी मदद से मुझे कुछ और चीज़ें आपको बतानी हैं ये सब देखिए समझाते हैं आपको पहले देखिए कोई जैसे मान लीजिए जब ग्यारह वाले नंबर्स होते हैं ना और उनका आपको स्क्वायर करना होता है तो बड़ा ही आसान होता है जैसे आप ग्यारह का स्क्वायर लिखते हो तो आप क्या लिखते हो एक दो एक, एक, एक सौ इक्कीस ये लिखते हो ठीक है अभी अगला नंबर लिखते हैं एक दो तीन अभी मुझे इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे देखिए जितनी बार आपका अंक लिखा है मान लीजिए यहाँ पर तीन अंक हैं तो तीन तक जाएंगे एक दो तीन फिर वापस आएंगे दो एक ठीक है एक दो तीन और फिर दो और एक बात समझ में आ गई जिसको नहीं पता वो लोट कर सकता है ठीक है एक और लिखता है जैसे मान लीजिए यहां पे वन 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 मुझे इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे चार अंक है तो कहां तक जाएंगे चार तक जाएंगे एक दो तीन चार और फिर वापस आ जाएंगे तीन दो एक ठीक है ये बेसिक बहुत तरीका होता है क्वेश्चन ऐसे नहीं आते ये पता एग्जाम को बच्चों को सबको पता है लेकिन इस पर घुमा फिरा के आते हैं इनका एप्लीकेशन लगता है इनको यूज करते हैं हम लोग और कहा यूज करते हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूं देखिए कई बार क्या होगा एक तरीका तो ये यूज होता है कि वो आपसे ऐसे पूछ लेगा भाई तीन का स्क्वायर बताओ अब पूछेगा नहीं वो सिंप्लीफिकेशन बीच में डाल देगा दो का स्क्वायर ठीक है फोर फोर फोर्टी फोर का स्क्वायर चलो दो डिजिट का तब भी हम निकाल लेते हैं मान लीजिए बड़े नंबर दे दिया ट्रिपल फाइव का स्क्वायर ठीक है चार नंबर दे रहा ट्रिपल फाइव 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 का स्क्वायर तो यहां पे इनका एप्लीकेशन होता है अभी दिखाता हूं कैसे निकालते हैं लेकिन अभी ये तो आसान था कि भाई ग्यारह इंटू ग्यारह दो बार ये हो गया ये ये स्क्वायर कर दिया हो गया चार बार एक लिख के चार बार एक लिख के स्क्वायर कर दिया हो गया ओके अब आदेगी फंसाने वाली चीजें अगर यहां पे मेरे पास ग्यारह और यहां पे नंबर्स को अब हम चेंज कर रहे हैं यहां पे दो अंक है यहां पे तीन अंका तब बताइए क्या आएगा ये पता है आप लोग को भाई चौदह के एफ सी आई का एग्जामिनेशन है मैसेज रिट्रेक्टेड नीरज आपका क्या क्वेश्चन था चौदह के एफ सी आई का एग्जामिनेशन था या फिर है ठीक है ठीक है बढ़िया है चलिए चलिए जल्दी से बताइए आगे से चलिए सेशन सेशन को लाइक करते जाइएगा अच्छा लग रहा हो तो और बस ऐसे ही बताते रहिएगा प्यार दिखाते रहिएगा अगर अच्छा लग रहा है मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा इसका बताइए आंसर बताइए आया नहीं आंसर किसी का ठीक है ठीक है चलिए अब मैं आपको देखिए तरीका समझाता हूँ देखिए एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ ठीक है अभी मेरे पास क्या था कि अगर मैं ग्यारह गुड़े ग्यारह कर रहा था तो आसान था एक दो एक लिख रहा था अगर ये सेम नंबर होता है तो हम लिख देते हैं वन टू थ्री टू वन तब तो तक ये सेम नंबर जब भी होते हैं सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ उग... अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स को चेंज कर रहे हैं अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या क्या आएगा मान लीजिए मैंने ये लिखा और ये लिखा तो ध्यान सुनिए अब आंसर क्या आएगा ध्यान समझना ठीक है इसमें दो अंक हैं इसमें आपके तीन अंक हैं ठीक है तो जो आपका कम अंक वाला है उसको उठा लो और उसके रूल से चलो मतलब कि वन और टू थ्री नहीं लिखना इसमें टू तक लिखते थे तो टू लिख दिया अब एक बार बहुत ध्यान से सुनना फिर इनके अंकों का जितना अंतर है जैसे कि यहाँ पे तीन माइनस दो करेंगे तो एक अंतर आएगा उतनी बार आप इस बड़े वाले नंबर को और लिखेंगे मतलब अगर एक अंतर है एक बार दो और लिखेंगे और फिर एक आ जाएगा क्या समझ में आया आप लोग को एक उदाहरण और देता हूँ मैं आप लोग को जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया वन 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 इन वन 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 तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे हमारे पास तीन अंक हैं यहाँ पे हमारे पास चार अंक हैं ठीक है तो हम छोटे वाले के तरीके को फॉलो करेंगे मतलब एक दो तीन तक जाएंगे ध्यान सुनिएगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा इनका अंतर कितना है एक तो एक बार तीन को और लिखेंगे फिर वापस टू वन ठीक है बात समझ में आ रही है कमेंट दिखाओ आप लोग समझ में आ रहा सब पहले बताओ हाँ बोलो नहीं समझ में नहीं समझ में आ, आ गया ना यस यस बहुत बढ़िया प्रियांशु को समझ में आ गया सत्या पांडे को चेतन ठीक है अब ये अगर समझ में आ गया अब थोड़ा सा हम मैटर चेंज करते हैं मतलब जैसे मान लीजिए कुछ यहां पर इसका आंसर बताइए आप लोग ये तो मैंने करवा दिया अब इसका बताइए इसका कि अगर दो बार एक है कि चार बार एक है तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा हाँ सर समझ में आ गया ना समझ गए समझ गए बहुत बढ़िया तो अगर आप आरुषि समझ गई राजपूत समझ गए इसका उत्तर बताइए कितना आएगा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा हाँ प्रैक्टिस तो करना ही है लेकिन आप पहले इसका उत्तर तो बताओ मुझे मैं आपके कॉमन का वेट कर रहा हूँ वन टू 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 वन देखिए बहुत प्यारा आंसर आया देखिए यहाँ पे दो अंक हैं यहाँ पे आपके चार डिजिट हैं ठीक है ध्यान सुनना अब हम क्या करेंगे जो छोटा वाला मेथड है उसकी तरफ से जाएंगे तो एक और दो तक जाएंगे तो इसमें अंतर कितना है दो डिजिट का तो दो डिजिट का अंतर है तो हम दो को ये जो बड़ा नंबर है इसको दो बार और लिखेंगे मतलब कि टू और टू और फिर नीचे ये वन तो वन टू टू टू, टू वन समझ में आ गया ये बढ़िया है ना तो ये क्या है ना कि ऐसे कई बार वो एप्लीकेशन में आ जाते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में एक एग्जाम एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आप और बनाओ जैसे मान लो यहां पे लिखा है मैंने वन 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 इन टू एक दो तीन चार पांच छ अब ये कर दिया मैंने अब बताओ कितना आंसर आएगा बताइए कितना आंसर है आंसर हाँ अभी जीमान ने बहुत अच्छी बात बोली पेपर में प्रेशर में सर उस टाइम नहीं लग पाता मैं आपको एक बात बताता हूं मैं इसीलिए आपको इतनी लिमिटेड चीजें बता रहा हूं और वो चीजें बता रहा हूं जो कि हम अक्सर यूज करते रहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में आते रहते हैं तो जो चीजें अक्सर आती रहती हैं वो आप यूज कर लोगे क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे जैसे ये हो गया एक सौ वाला कहाँ गया ये या बहुत यूज़ करोगे या बहुत यूज़ करोगे अभी जब मैं डीआई वगैरह कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन अभी क्वेश्चन भी इस तरह के आपके आए हुए क्वेश्चन है तो वहाँ यूज़ करोगे तो लग जाएगा मैंने इसलिए मैंने बोला जैसे मान लीजिए मैंने पिछले क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था अब मल्टीप्लीकेशन के बहुत तरीके होते हैं एक बेस मेथड होता है कि सौ में प्लस माइनस तीन वाला एक वो होता है एक आपका क्रॉस वाला जो मैंने पढ़ाया था ठीक है फिर एक टेन मान के होता है फिर ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं ठीक है लेकिन मैंने आपको सिर्फ दो तरीका बताया कि अगर पैंसठ इंटू छत्तीस आप कर रहे हो एक तरीका जो सब करते हैं जो कि यूजफुल भी है कि पैसठ इंटू तीन करो और फिर मन में जोड़ लो पैंसठ इंटू छ के साथ तो ये जब चीज़ें हैं ना जिनको आप इतना यूज करोगे कि आप हैबिचुअल हो जाओगे ठीक है मैं बहुत सारे टेक्निक लाए देखो आप सिर्फ ये रहेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं ठीक है मैं कोई फालतू नहीं सिखाऊंगा चिंता मत करो ये सारे क्वेश्चन आपके आप देखोगे ना रेलवे वगैरह में आ जाते हैं और आपके इसमें हाँ एस सी आई के बताएंगे वन टू थ्री थ्री वन थे ओके देख लेते हैं देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है तीन डिजिट है यहाँ पे छह डिजिट है ठीक है तो हम करेंगे वन टू थ्री और कितना अंतर है यहाँ पे तीन तो तीन को तीन बार लिखना पड़ेगा एक दो तीन और फिर वही टू वन ठीक है कर लो ये आंसर आ रहा है कॉमेंट बताओ आप लोग क्या बता रहे हो ठीक है समझ में आ गया सबको सबको समझ में आ गया ना चल चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओके आगे क्या है सादा साधा ठीक है अब आपकी मिक्स प्रैक्टिस ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है रूल बता दिए हैं अब आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ अच्छा ये एक मुझे रूल बताने दो उसके पहले क्वेश्चन करेंगे ये वाला ठीक है देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ठीक है आपने क्लास एट्स नाइन में पढ़ा होगा ये पढ़ा होगा आपने कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना हमको ये पता होता है कि भाई ये ना ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ये आपको पता है सबको पता है ना पहले बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में फाइव थर्टी लोग देख रहे हैं लेकिन बता नहीं जाओ आप लोग अच्छा फाइव थर्टी लोग देख रहे हैं लेकिन वन ट्वेंटी नाइन लाइक है क्यों भाई ऐसी क्या बात है कितना खराब पढ़ा रहा हूँ मैं क्यों आप लोग ऐसा जुर्म कर रहे हो मेरे साथ देख रहे हो रोना भी आ रहा है ठीक है चलो ये आपने सबने पढ़ा है ना ठीक है अब इसी का ना हम बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे अड़तालीस गुड़े बावन ऐसे दिख जाए ठीक है ध्यान सुनिएगा तो हमको पता है कि इसके बीच में क्या आता है नंबर पचास आता है तो मैं अगर अड़तालीस को पचास माइनस दो और बावन को पचास प्लस दो लिख दूँ तो क्या मेरा काम नहीं हो जाएगा अब ध्यान से देखो वही पैटर्न तो बन रहा है ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मतलब पचास का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर अब पचास सबको पता होता है और दो का स्क्वायर भी सबको पता होता है ठीक है तो आपने डायरेक्टली आंसर लिख देना है पच्चीस सौ माइनस चार मतलब चौबीस सौ छानवे ठीक है ठीक है? है तो और एक बात और एक बात और ये आपको हमेशा पचास नहीं मिलेगा ऐसे चीजें थोड़ा ऊपर नीचे मिलेंगी लेकिन आपको अगर स्क्वायर निकालना आता है अभी जब मेरी स्क्वायर वाली क्लास होगी दो तीन बार देखना स्क्वायर वाली क्लास होगी और मैंने स्क्वायर का एक वीडियो पहले भी डाल रखी थी लास्ट ईयर तो वो देखना आप लोग स्क्वायर जल्दी कैसे निकालते हैं ठीक है तो उस तरीके से अगर आपको स्क्वायर निकालना टू डिजिट का आता है ना बहुत फास्ट करोगी और कुछ कुछ मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा जहां पर यह सिंप्लीफिकेशन आया हुआ है ठीक है तो वहां कैसे बचते हैं अब देखिए जैसे मान लीजिए ये नंबर है इसका आप उत्तर बताइए पहली बात तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ गया ना ऐसे तीन चार एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसा मिल गया आ, कुछ और लिखते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक नाइन्टी टू इंटू नाइन्टी एट अभी आपको ये निकालना तो कैसे करोगे ये बताओ कितना आएगा कितना आएगा तीन हजार इक्कीस इसका बताइए इसका सर तो आप बताइए प्लीज़ कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कहाँ तक स्क्वायर और क्यूब्स लर्न करने की रिक्वायरमेंट है जब मैं स्क्वायर क्यूब क्लास होगी तो देख लीजिएगा और स्क्वायर तो देखिए आपको तीस तक आना चाहिए ठीक है तीस तक के स्क्वायर आपको जबान पर रटे होने चाहिए ठीक है और जो क्यूब है क्यूब अगर आप दस तक वैसे बीस तक कर लो बीस तक क्यूब याद रखोगे तो काम हो जाएगा ठीक है बाकी जब आपकी मेरी क्लास आएगी तो स्क्वायर वाले मेट्रिक सिखा दूंगा तो स्क्वायर की चिंता मत करना और क्यूब में पंद्रह बीस तक रट लोगे तो बहुत काम हो जाएगा ठीक है सर थ्री थ्री वाला बताइए अच्छा हाँ भूल गया बताते हैं बताते हैं पहले ही ये समझाइए चलिए अब ध्यान सुनिए अब आपको दिख रहा है कि इसके बीच में नंबर क्या है इसके बीच में अच्छे ही समझाओ मतलब पता कैसे करोगे वैसे दिख रहा है आपको पंचानवे होता है लेकिन तब भी देख लो देखो इसके में बीच में अंतर कितना है छः का अंतर है तो छः को आप हाफ़ कर दीजिए ठीक है दो पार्ट में बांटे तो तीन और तीन तो अगर बीच में यहाँ पंचानवे मैं लिखूँ ये पंचानवे से तीन कम है ये पंचानवे से तीन ज़्यादा है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या पंचानवे माइनस तीन पंचानवे प्लस तीन तो बन जाएगा पंचानवे स्क्वायर माइनस तीन स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अब अगर आपने फाइव के स्क्वायर वाली ट्रिक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पंचानवे स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी होती है देखिए मैं आपको एक, एक नियम और सिखाता हूं अगर किसी भी किसी भी आ, क्या बोलते हैं नंबर में अंत में अगर पांच आ रहा है जैसे मान लीजिए पंचानवे ही है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है किसी भी ये किसी भी फाइव एंडिंग डिजिट के लिए होता है ठीक है तो आप पाँच का पहले पच्चीस लिखोगे ठीक है और जो पाँच के अलावा आपके नंबर है ना उसको उसके अगले नंबर से आप गुड़ा कर दीजिए मतलब कि नौ इंटू दस करेंगे तो यहाँ पर नब्बे आ जाएगा ये समझ में आ गया इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल भी एक करवा देते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको पैंसठ का स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे पांच का स्क्वायर पहले पच्चीस लिखेंगे फिर छः का जो अगला नंबर होता है छः सते बयालीस तो उसको लिख देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है अब आप बोलो क्या भैया ये सिंगल डिजिट वाले डबल डिजिट ही करोगे नहीं आप ट्रिपल डिजिट कर लो कोई दिक्कत नहीं है चलिए एक सौ पच्चीस का मान लीजिए स्क्वायर आपको लिखना है डायरेक्टली तो वैसे तो आप लोग को याद भी रहता है लेकिन जैसे मान लीजिए याद नहीं है तो पाँच का स्क्वायर होता है पच्चीस और बारह को क्या करेंगे बारह गोले तेरह कर देंगे ठीक है एक सौ बीस प्लस छत्तीस एक सौ छप्पन ठीक तो ऐसे आप किसी भी नंबर का जैसे मान लीजिए आप एक सौ पैंतालीस का निकाल रहे हैं स्क्वायर क्या लिखेंगे पच्चीस और चौदह गोले पंद्रह ठीक है ये बात ध्यान रहेगी तो इससे क्या हुआ मुझे तुरंत ही यहाँ से तो मिल गया नब्बे पच्चीस माइनस नौ अब 25 में से हो गया कितना हो गया सोलह इसका मतलब नब्बे सोलह इसका आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया रूल सबको सबको समझ में आ गया ओके ओके ओके, ओके चलो ठीक है अब मेरी बात ध्यान सुनो अब मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं आप लोग के लिए जल्दी जल्दी बताओ पहले इसका आंसर बताओ इसका बताओ पहले कितना आएगा ओके डिजिटल सम नहीं नहीं देखिए डिजिटल सम का मैं आपको बाद बताऊंगा बताऊँगा डिजिटल सम यार मेरे ख्याल से देखो मैं जैसे मैं ये मेरा ये मानना है मैं आपको एक तरीका बताता हूं जब भी आप एग्जामिशन की तैयारी कर रहे हो ना दो चीज़ें हमेशा लिमिटेड रखा करो एक आपके सोर्सेस मतलब कि दस किताबों से पढ़ना पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को दस बार पढ़ लो और एक अपने तरीके अगर आप एक क्वेश्चन को लगाने के चार पांच तरीके दिमाग में रखोगे ना तो भूल जाओगे एग्जामिनेशन में बिल्कुल काम नहीं आए जैसा अभी किसी बच्चे ने बोला तो बहुत सही बोला था एकदम सही बात है कि लेकिन लेकिन ध्यान सुनो आपको एक तरी एक क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके आने चाहिए एक या दो और जो इफिशियंट हो जो एकदम अप टू द मार्क हो और खटाक से आपके आंसर निकालते हो बस तो इसलिए मैं बोल रहा बोलो ज्यादा आपको डिस्टेंस वगैरह काम में आते हैं लेकिन आप खुद देखोगे यार कोई यूज नहीं करता इवन मैंने तो कभी डिस्टेंस हम यूज भी नहीं किया बल्कि वो तरीका ठीक ठीक है लेकिन जो हर जगह लगता नहीं है तो क्या फायदा ठीक है चलिए इस पर ध्यान दीजिए इसका आप लोग का आ गया होगा आंसर बीच में पचपन आ रहा है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा पचपन स्क्वायर माइनस दो स्क्वायर अभी मैंने स्क्वायर का ट्रिक बताई आपको पांच तीस, तीस पच्चीस माइनस चार तो तीस इक्कीस हो जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर ठीक है यही आया आप लोग का ठीक है आ गया सभी लोग लगभग आ गया है ठीक है चलिए बहुत ही शानदार

ये नौ छप्पन में से नौ जाएंगे कितना बचेगा पैतालीस सॉरी सैतालीस सत्तर सैतालीस ठीक है हो गया आप लोग है चलो बहुत सही बात है अब इस पर दो क्वेश्चन बनाओ एक पहले वाला क्वेश्चन बनाओ खड़ाक से ये क्वेश्चन में याद रखना कि आपको पेन नहीं चलाना बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला इसका आंसर बताओ सर बैंकिंग में डीआई केसलेट भी आती है क्या हाँ आती है ब्लर हो रहा है ब्लर हो रहा है क्या कुछ ब्लर हो रहा है क्या इसका आंसर बताइए ओके रजत ने आंसर दे दिया बहुत फास्ट और बहुत सही आंसर दिया है 82, 82 ठीक है इजी है सबको समझ में आ गया 82, नहीं आ रहा सर करते ये समझ में नहीं आया आपको दिशिका ये किसको समझ में नहीं आया ये दोनों समझ में आया नहीं है, पहले बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी अगर आप अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है मेरी बात ध्यान सुनिए अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है और बीच में कोई आपको परफेक्ट नंबर मिल रहा है जैसे यहां चौरासी मिल गया यहां पचपन मिल गया तो आराम से उसका स्क्वायर करो माइनस जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो मन में आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ठीक है सर क्लास डेली लीजिए डेली कैसे ले यार चलिए अब देखिए इसका मैं समझाता हूं आपको बहुत आसान है अभी जस्ट मैंने आपको समझाया इक्यासी इंटू तिरासी ठीक है अब इक्यासी इंटू तिरासी के बीच में कौन है बयासी है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या ये मैं लिख के दिखा रहा हूं लेकिन इतना लिखना नहीं है आपको ध्यान सुनिए इक्यासी को मैं बयासी माइनस एक और तिरासी को मैं बयासी प्लस एक लिख सकता हूं क्या ठीक है तो ये लिखते ही देखिए क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी तो बयासी स्क्वायर माइनस वन और यहां पे क्या था प्लस वन ठीक है तो ये वन से वन कट जाएगा आपको बयासी का स्क्वायर निकालना भी नहीं पड़ेगा ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका आंसर बयासी आ जाएगा समझ में आया कै निकल लिया फिलहाल ये वाला ठीक है नीचे वाला क्वेश्चन बनाओ नीचे वाला थोड़ा ध्यान रखना है। ये सॉरी ये पूरा होल अपॉन है मैं अगर इसको सही से लिखूं नीचे वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है तीन सौ पंद्रह इंटू तीन सत्रह प्लस वन अपॉन तीन सौ सोलह इंटू तीन सौ सोलह इसको बताओ ये पता है आपके एस बी आई क्लर्क या उसमें आर बी आई असिस्टेंट किसी एक में आया हुआ क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन आपका आया था हाँ हाँ पी डी एफ दे दूंगा दू 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 मैं मैं क्वेश्चन बनवा दूंगा उसके पी दे दूंगा दू सर फोकस प्रॉब्लम हो रहा है फोकस की प्रॉब्लम हो रही है क्या सही बताओ ऑटो फोकस सेट हो गया है क्या प्लीज का आंसर बताइए जल्दी से ब्लर हो रहा है यार ब्लर हो रहा है क्या रजत ने गलत आंसर दिया है रजत आपने तीन सौ सो सोलह का स्क्वायर लिख दिया है स्क्वायर नहीं आएगा ना ध्यान से करिए वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है ब्लर हो रही है एक रुको जरा गई तो सही चल रही है दिक्कत कहाँ सेकंड दोस्तों में कुछ देखता हूं अभी ब्लर हो रही है वीडियो अभी ठीक आ रही वैसे नहीं सर कभी कभी ठीक है ना चलो चलो वन आ गया सबका ना सबका वन आ गया इसका सबका आंसर वन आ गया वो मैं समझ गया कैमरे से हो रहा होगा हाँ वो इसका ये ऑटो मोड सेट हो गया होगा अभी जाओ करता हूँ चलो इसको तो जल्दी से फिर से वही बात तीन सौ पंद्रह इंटू तीन सौ सत्रह देखिए यही सब क्वेश्चन के लिए सब ट्रिक काम में आ जाती है कि अब इसको आप निकालने बैठ गए ना तो मम्मी पापा को याद आ जाएगी भाई इसको निकालने अगर आप बैठ गए ना भगवान को याद करोगे भैया क्या दे दिया सिंपल सी बात यह है कि बीच में 316 है और हमको पता है कि अगर कोई नंबर बराबर दूरी पे है तो इसको हम 316 सौ सोलह माइनस वन तीन प्लस वन मतलब 316 का स्क्वायर ले सकते हैं तो 316 का स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन ठीक है और नीचे ध्यान से देखो तीन सौ सो सोलह इंटू तीन सोलह लिखा हुआ है मतलब तीन सौ सोलह का स्क्वायर तो है तो ये कट जाएगा इससे और तीन सोलह स्क्वायर इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा वन आपका आंसर ठीक है ये क्वेश्चन आपका इस बैग बैगलग में हुआ था चलो चलो अब जल्दी से एक छोटा सा और तरीका है मल्टीप्लीकेशन विद इलेवन देखो ये सीखना इसलिए जरूरी है एलेवन के नंबर्स आपको बहुत मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में ठीक है टाइम स्पीड डिस्टेंस में कई बार मिलेंगे डी में आपको बहुत मिलेंगे ठीक है तो कई जगह आपको एलेवन के नंबर्स मिलते हैं पहली चीज ठीक है एलेवन में सिर्फ एलेवन नहीं मिलता जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलेवन लिखा हुआ है तो कई बार ये ऐसा रहेगा मान लीजिए फोर्टी फोर है या मान लीजिए फिफ्टी फाइव है तो अगर आपको एलेवन से मल्टीप्लाई करना बहुत जल्दी से आता है तो थोड़ा सा आपको इसमें एस मिलेगा आपने क्या किया गैर कर दिया फिर पाँच से मल्टीप्लाई कर दिया दस बाई दो करके जैसे मैंने बताया था बात समझ में आई नहीं आई फाइव सेवेंट सेवन लोग देख रहे हैं लेकिन आप लोग सब लोग बोलो पहले बताओ समझ में आए ही नहीं आया तो इलेवन की छोटी सी ट्रिक होती है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है दिमाग ही नहीं लगाना कई लोगों ने तो आंसर भी कर दिया है थ्री नाइन्टी सिक्स अब मैं समझाता हूं देखिए होता क्या है जब भी आप किसी नंबर को इलेवन से बुरा करते हैं जैसे मान लीजिए छत्तीस ले लेते हैं ठीक है आपको करना कुछ नहीं है ये जो नंबर है ना इस नंबर के एक यहाँ पे जीरो लगा लो एक यहाँ पे जीरो लगा लो ठीक है और पीछे से इसको ऐड करते हुए चले जाओ मतलब जीरो प्लस छ छः प्लस तीन नाइन थ्री प्लस जीरो थ्री ये आपका आंसर हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं अगले दोनों आंसर डायरेक्टली लिखने वाला हूँ ठीक है चलिए यहां जीरो लगाया यहां जीरो लगाया अब ध्यान से देखना जीरो प्लस सात 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 प्लस पाँच बारह एक कैरी पाँच प्लस चार एक नौ सॉरी पाँच चार नौ एक दस जीरो वन और चार एक पाँच यही आ रहा है आप लोग का भी यही आ रहा है बताइए सभी लोग फाइव जीरो टू सेवन हाँ ठीक है ये ट्रिक सबको पता है ना यार ऐसा कोई बंदा जिसको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग बताइए क्योंकि आप जो लोग बिगिनर हैं जो लोग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से उन्हीं के लिए मैं हूँ तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आया अगर आप आए हो तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं आपको समझा दूँ सबको समझ में आ गया ना नहीं समझ में आया तो लिखिएगा ठीक है चलिए अब आप नहीं लिख रहे तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है चलिए लास्ट में कर लेते हैं आप डायरेक्टली लिखोगे देखना यहाँ पर आपने जीरो ऐड कर दिया यहाँ पर आपने जीरो ऐड कर दिया जीरो प्लस छः छः होता है छः प्लस नौ पंद्रह होता है एक कैरी जाएगा नौ आठ सत्रह होता है एक अठारह ठीक है आठ आठ सोलह एक सत्रह एक कैरी और आठ और जीरो है तो आठ एक नौ यही आ रहा है आप लोग का नाइन सेवन एट फाइव सिक्स ठीक है सबको समझ में आ रहा है ना सबको अच्छा समझ में आ रहा है ना चलो सर कैमरा हिल रहा है कैमरा हिल रहा है अच्छा एक मिनट किसी ने लिखा है आरुषि को साक्षी को समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ एक एक दो कि कैमरे की प्रॉब्लम थोड़ा देख लूँ क्या है? उसकी सेटिंग ही ना कुछ वो होगी शायद कहाँ से आता है यार ये एक मिनट रुको ठीक तो है यार अभी ठीक होगा थोड़ा देखना ज़रा अभी थोड़ा बेटर होगा अब नहीं आना चाहिए वैसे तो अब नहीं आना चाहिए ठीक है चलिए ऑटो फोकस ऑफ कर दो हाँ भाई ऑटो फोकस ही तो ऑफ किया मैंने यार पता नहीं क्यों आ रहा है प्रेजेंट पे मैंने कर दिया और बराबर है ना चलो थोड़ा बहुत आएगा तो यार देख लेना बताना मुझे ठीक है चलो जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर समझाते हैं अच्छे से जल्दी समझा देते हैं देखिए मैं बहुत प्यार समझाता हूँ अच्छे से ऐसा कोई बच्चा है जो समझ के नहीं जाएगा वो फिर मेरी गलती है देखिए मान लीजिए आपके को पास कोई नंबर है कुछ भी लिख लीजिए आप सिक्स सेवन एट फाइव टू कुछ भी लिख लीजिए आप ठीक है और इसको आपको ग्यारह से गुड़ा करना है तो ग्यारह से गुड़ा करने की एक बहुत आसान ट्रिक होती है कि जिस नंबर को आपको गुड़ा करना है ना उसके पीछे एक जीरो लगाइए और उसके पहले एक ज़ीरो लगाइए ठीक है और अंतिम से इसको ना इसमें जोड़ते जाइए इसका मैं आपको वो बता दूं क्या ऐसा क्यों होता है ये बताओ किसको किसको पता है ऐसा क्यों होता है सब रटते रट के तो नहीं बैठे हो हर ट्रिक का एक रीज़न होता है भाई सब बीच बीच में हिल रहा है अभी भी हिल रहा है क्या यार ये ऑटो फोकस है मैंने कर तो दिया इसका यार तो अब नहीं हिलना चाहिए वैसे यार चलो इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ देखिए पहले ये समझ लीजिए फिर रीजन समझाता हूँ जिनको मैं समझा रहा था आप लोग तो ध्यान सुनिए आप क्या करो पीछे से एक एक नंबर को जोड़ते जाइए जीरो में दो जोड़ेंगे तो आएगा दो फिर दो में आप जोड़िए पाँच दो पाँच होता है सात पाँच में जोड़िए आठ को आठ पाँच होता है तेरह तो तेरह है तो तीन लिखेंगे एक को यहाँ कैरी कर देंगे आठ सात होता है पंद्रह पंद्रह में एक जोड़ेंगे सोलह आएगा एक यहाँ लिख देंगे सात छः होता है तेरह तेरह में एक जोड़ेंगे चौदह आएगा एक यहाँ कर देंगे और छः और जीरो जोड़ेंगे छः ही आता है लेकिन एक कैरी था छः में एक जुड़ जाएगा सात और ये आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है ठीक है तब को समझ में आ गया अब मेरी बात ध्यान सुनिए ऐसा होता क्यों क्योंकि आप कोई चीज रट नहीं सकते हमेशा हर चीज की रीजनिंग आनी चाहिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है मान लीजिए थ्री नाइनटी सिक्स है और मुझे उसको तो ग्यारह से गुणा करना है तो ग्यारह से गुणा करना है ये तरीका उसी से आता है जो मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि ग्यारह को आप क्या लिखते हो दस प्लस वन लिखते हो ठीक है तो आप एक बार जब इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो ध्यान से एक बार दस से मल्टीप्लाई करोगे मतलब थ्री नाइन सिक्स जीरो आएगा ठीक है फिर एक बार इसको आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तीन सौ छियानवे आएगा तो फिर आप लिखोगे थ्री नाइन तो सिक्स आप ध्यान से देखो तो हम अल्टीमेटली यही करते हैं यहाँ जीरो लगा दो एक बार छः को जीरो में ऐड करते हैं फिर छः को देखो ऐसे देखो छः को नौ में ऐड करते हैं नौ को तीन में करते हैं तीन को फिर जीरो में करते हैं ये चीज़ उसी से आती है हमने डायरेक्टली बना दिया है कि आप जीरो जीरो उधर ऐड कर दो और खटाक से ये ऐड हो जाएगा आई होप ट्रिक समझ में आ गई होगी रटना कभी नहीं कभी रटने का नहीं ना ठीक है चलो अब आपके लिए कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रख रखे हैं धमाकेदार आ, ये नहीं पहले ये करो खड़ाक से जितना फास्ट होता है मुझे आंसर बताओ आप लोग खड़ा खड़ा यार अभी कुछ दिक्कत हो रही है क्या हाँ लाइव चल रहा है ना ठीक है चलिए सर डोंट गो टू एनी अटैक अरे बहुत दिन से ऑफर आ रहे हैं भाई बहुत दिन से आ रहे हैं चलिए बात समझ में आ गया सुपर ट्रिक है अच्छा लग रहा है ट्रिपल वन आया तो ट्रिपल वन कहाँ पे आया मतलब अच्छा इधर इसमें कह रहे हो जो मल्टीप्लाई था तो ट्रिपल वन में आया नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है ये सिर्फ ग्यारह के लिए है सिर्फ ग्यारह के लिए ठीक है अच्छा ये करो और इसमें ये वाला रह गया था आपको टू 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 ये भी समझा दूंगा मैं इसी ला ठीक है चलो जल्दी आंसर बताओ खड़ा था इसका बताओ इक्कीस जीरो आठ आ रहा है सही आ रहा है सबका आ गया सबका आ गया और देखो मैं कैसे कर रहा हूँ हाँ हाँ बता रहा हूँ ट्रिपल थ्री वाला रेशभ बता रहा हूँ रेशभ बता रहा हूँ इसी बता में बताऊंगा ठीक है देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए इसको देखो मैं कैसे करता हूँ मन में वो समझो चौतीस को मुझे करना है बासठ से मल्टीप्लाई तो मैं क्या करूंगा पहले चौतीस को साठ से कर लूंगा मतलब चौतीस छंग करूंगा वो भी मन में करूंगा चौतीस छंग कैसे करूंगा एक सौ अस्सी प्लस चौबीस मतलब तो दो सौ चार दो हजार चालीस मिल गया और चौतीस दूनी होता है अड़सठ सॉरी अड़सठ तो दो हजार चार और अड़सठ दो हजार बहत्तर हो जाएगा ठीक है कुछ गलती कर रहे हैं क्या साठ uh, का करेंगे सात छः त्री अस्सी मतलब एक सौ अस्सी और प्लस चार सॉरी चौबीस एक सौ अस्सी में चौबीस जोड़ दिया आपका दो सौ चार ठीक है और और ये सॉरी फिर बासठ इंटू चार करेंगे देखिए हाँ ओहो ठीक है ये आ गया फिर बासठ इंटू चार करेंगे अब बासठ इंटू चार करना आसान है कैसे पहले डबल कर दो बासठ दुनिया कितना होता है एक सौ चौबीस उसका डबल कर दो सौ अड़तालीस दो सौ अड़तालीस में जोड़ दोगे तो अड़तालीस ये हो जाएगा एटी एट तो हो जाएगा आपका टू टू एट एट क्या है आप लोग का एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक अच्छा चौतीस सौ कर रहे थे ना क्या कर रहा हूँ मैं सॉरी यार सॉरी 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 अरसठ जोड़ेंगे अरसठ जोड़ेंगे यार ठीक <laughs> है ठीक है ठीक है अरसठ जोड़ेंगे ना दो हज़ार क्या था थोड़ा सा कन्फ्यूज मैं भी हो गया आप लोग के साथ हाँ ठीक है ठीक है इक्कीस सौ ना हाँ सॉरी इसका बता जल्दी से इसको देखो आराम से करो बासठ को ना पहले सौ से मल्टीप्लाई कर दो आपका सौ आ जाएगा फिर चार से कर दो इसको चार से मल्टीप्लाई अभी जस्ट हमने किया था आपका हो जाएगा बासठ सौ ठीक है और चार से मल्टीप्लाई करो कितना होगा बासठ दूरी कितना होता है एक सौ चौबीस और डबल कर दो टू फोर्टी एट टू फोर्टी एट हो जाएगा सिक्स डबल एट यही आ रहा है सॉरी फोर्टी एट आएगा ना हाँ फोर्टी एट ठीक है ठीक है इसका कितना आ रहा है रजत का आंसर सही है रमानिका इसका बताइए इसका इसका उस दिन ट्रिक याद है मैंने आपको बताया था तीन डिजिट वाला इसका तरीका पता है आपको तीन डिजिट कॉमन ट्रिक बताई थी मैंने बताइए बताइए जल्दी बताइए किसी का ऑप्शन आंसर नहीं आया अभी तक जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए फोर नाइन टू एट फोर अभी 49284 कैसे आएगा गलत है किसी का चलो सत्रह चौरासी बानवे ठीक लग रहा है चलो अब देखो मैं ध्यान से सुनो मैं कैसे करता हूँ देखिए आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे लिख लो तीन सौ अट्ठाईस एक लाइन में आंसर आएगा और यहां पे लिख लो फाइव फोर्टी नाइन ठीक है ध्यान से सुना जो करने जा रहा है नौ अठे बहत्तर दो सात कैरी दे, दे देंगे यहाँ पे ठीक है नौ दो नी अठारह आठ सौ के बत्तीस अठारह बत्तीस जोड़ोगे पचास पचास और सात होता है सत्तावन ठीक है पाँच कैरी दे दिया यहाँ पे ठीक है ध्यान सुनते जाना ना ध्यान सुनना ठीक है आ, हाँ फिर क्या करोगे नौ त्रिक सत्ताईस आठ पंच चालीस सत्ताइस चालीस होता है सड़सठ सड़सठ और प्लस चार दूनी आठ सड़सठ आठ होता है आपका आठ सात पंद्रह पचहत्तर पचहत्तर पाँच हो जाएगा आपका अस्सी जीरो और आठ कैरी ठीक है चार त्रिक बारह पाँच दूनी दस बारह और दस हो गया आपका बाईस बाईस आठ हो गया आपका तीस पांच पंद्रह तीन अठारह ये आंसर आ रहा है ठीक है सबका आ रहा है कई लोग का आ गया कई लोग का आ गया किन लोग का वन सेवन नाइन टू सेवन टू कैसे आ रहा है आप लोग का वन टू नाइन टू ये आएगा देखो हाँ ठीक है रजत का सही है न, काफी लोग का सही आ रहा है नहीं ये आंसर होगा कई लोग कुछ गलत बता रहे हैं ये होगा आपका आपको समझ में आ गया ना कि कोई ऐसा नहीं जिसको समझ में न आया हो ईजी है एक लाइन में सिर्फ आपको करना है ये इन ये फिर क्रॉस करेंगे फिर इससे क्रॉस इससे क्रॉस और इसको आपस में फिर इधर इधर और फिर तीन इंटू पाँच कब आ गया ना ठीक है हाँ भैया ओके सर क्लास का डेली टाइम क्या रहता है भाई क्लास का टाइम रहता है मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम को आठ बजे चलिए ओके आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसका बताइए आंसर आई होप सबको समझ में आ गया होगा थ्री डिजी का मल्टीप्लीकेशन इसका बताइए जल्दी से जितना आप जल्दी कर सकते हो और देखो एक बात मैं आपको बताऊँ दोस्तों कभी भी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत एकदम स्तब्ध नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसे ही करना है आप एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन आपने फ्लेक्सीबल रहा करो जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे पता है यहाँ पे सौ बाय चार करना है लेकिन पच्चीस का पहाड़ा मुझे आता है अगर आपको पच्चीस का पहाड़ डायरेक्ट आता है ना डायरेक्टली आप कर लो पच्चीस तीन पचहत्तर पाँच सात कैरी पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस और सात जोड़ दिया एक सौ बत्तीस डायरेक्टली आंसर लिख लोगे आप ठीक है ना कई लोग उसको ऐसे भी कर रहे होंगे सौ तो बाई चार वैसे भी कर सकते हो चार से डिवाइड करना आसान है बावन मतलब तेरह और एक और बचेगा तो वन बाई फोर पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव आएगा लेकिन दो जीरो लगाना है ना तो ये पच्चीस हो जाएगा कैसे भी कर लो जो भी आपको फास्ट लगता है वैसे हमेशा करने की कोशिश किया करो ठीक है और इसलिए मैं बोलता हूँ आपको टेबल एटलीस्ट तीस तक याद होनी चाहिए तीस तक याद आएगी दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्टली करोगे जैसे मान लो कि कोई नंबर है बड़ा सा सिक्स सेवन एट टू वगैरह कुछ अब एटीन लिखा है

बस ये सब हो गया अब उसके बाद आपका स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन लूँगा स्क्वायर क्यूब रोड एक क्लास में करवा के स्पीड मैथ सिंप्लीफिकेशन के कुछ अगर तरीके जो आपको बता के फिर मेरे ख्याल डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा परसेंटेज और फ्रैक्शन वगैरह स्टार्ट कर दूंगा ठीक है ठीक है इसका बताओ जल्दी से सैंतालीस इंटू तिरपन कितना आएगा आ गया है कई लोग का आ रहा है ठीक है इजी है कुछ नहीं दिख रहा है ना बीच में पचास अभी सिखाया था तो पचास से ये तीन कम है कि पचास से तीन ज़्यादा है पचास माइनस तीन पचास प्लस तीन पचास स्क्वायर माइनस तीन स्क्वायर मतलब पच्चीस सौ में नौ गया पच्चीस सौ में नौ गया मतलब चौबीस सौ इक्यानवे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप इसका बताओ अभी ट्रिक सिखाई थी ना इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा तीन बार है तो वन टू थ्री रख जाएंगे फिर वापस आएंगे टू वन ईजी है सबका हो गया था अब ये मुझे सिखाना है ध्यान सुनो देखो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में ना आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मतलब ऐसा रहेगा सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली सॉरी डायरेक्टली नहीं पूछेगा ऐसे रहेगा या फिर आपका कुछ ऐसे ऐसे रहेगा ठीक है या फिर आपका ऐसे ऐसे रहेगा कुछ भी ऐसे हो सकता है और चार नंबर में होता है जैसे मान लो ऐसे भी होता है ऐसे भी होता है ठीक है तो कैसे करोगे देखो इसीलिए मैंने आपको सिखाया है वन 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 वाली ट्रिक अयो जस्ट मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये वन वन है तो आपको पता है कि वन टू वन होता है ये वन 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 स्क्वायर है तो ये होता है वन टू थ्री टू वन होता है अगर आपका वन 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 स्क्वायर चार बार है एक दो तीन चार जितनी बार ये डिजिट होता है वहां तक जाना है फिर वापस चले आना है एक दो तीन चार चार तीन दो एक ठीक है तो आप क्या करेंगे अब देखिए कुछ नहीं करना आपको दिखते इससे जुड़ता हुआ दिख जाएगा अगर ट्रिपल फोर स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या फोर इंटू वन 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 का स्क्वायर लिख सकते हैं और आपको पता है ए इंटू बी का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर अलग अलग किया जा सकता है मतलब इसको मैं फोर स्क्वायर इंटू वन 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 का स्क्वायर लिख सकता हूं और इसकी वैल्यू देखिए सामने आपके लिखी हुई है ठीक है तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ इसका, क्या लिखूँ वन टू थ्री टू वन को चार का स्क्वायर पता होता है सोलह होता है आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए सोलह कम सोलह एक कैरी सोलह दोनी बत्तीस एक तैतीस, तीन कैरी सोलह तीन अड़तालीस तीन इक्यावन पाँच कैरी सोलह दूनी बत्तीस पाँच सैंतीस तीन कैरी और सोलह एकम सोलह तीन उन्नीस एक मिनट उन्नीस और ये आंसर आपका हो जाएगा चेक कर लो यही आ रहा है ठीक है तो ये सब में थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है सबका आ रहा है सबका आ रहा है ना हां नंबर सीरीज खिलेंगे चिंता मत करो नंबर सीरीज का पूरा सेशन होगा जिसमें रॉन्ग नंबर ज्यादा आएंगे रॉन्ग नंबर की पूरी क्लास होगी और मिसिंग नंबर तो थोड़ा सा ही रहेगा लेकिन रॉन्ग नंबर ज्यादा रहेगा ये समझ में आएगा नहीं आंसर नहीं आया आप लोग का हाँ समझ में आ गया सबको ये सबको समझ में आए थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई ट्रिपल फोर स्क्वायर को मैं कह सकता हूं चार इंटू वन वन का स्क्वायर ठीक है ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अभी जो मैंने पीछे भी लिखा था अगर समझ में आया है तो आप ट्रिपल थ्री का स्क्वायर निकाल के मुझे बताओ जल्दी बताओ खटाक से बताओ ओके ओके सबका लगभग आंसर आ चुका है ये वाला बताइए आ गया समझ में ना समझ में आ गया वेरी गुड वेरी गुड सेंसर्ड अच्छा आप लोग यूट्यूब पर नाम बड़े गजब गजब गज़़़ होते हैं किसी का नाम है सनसेट किसी का नाम है फन ट्यून किसी किसी का नाम है आफरी जहां कितने दिन पे ख़त्म होगा अभिषेक मुझे खुद आइडिया नहीं है कितने दिन पे ये मेरा कोई वैसे बैच तो नहीं है कि कोई पेड बैच की मैं इतना बताऊं कितने दिन में खत्म हो जाएगा लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आ, ये क्या चल रहा है जनवरी चल रहा है ना तो जैन फेब मार्च से पहले मैं कोशिश करूंगा खत्म हो जाएगा आपका ठीक है मार्च के मिड में कोशिश करूंगा मार्च के मिड से पहले खत्म हो जाएगा के आंसर आ देखिए बहुत आसान है ट्रिपल थ्री के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं थ्री स्क्वायर इंटू वन 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 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ठीक है अब आपको पता ये होता है नाइन और इसको निकालने का तरीका मैंने आपको अभी सिखाया है वन टू थ्री टू वन नौ से गुणा करना किसी के भी नंबर का आसान है नौ एक कम नौ नौ दुनिया अठारह एक गैरी नौ सत्ताईस एक अट्ठाईस दो नौ दुनिया अठारह दो बीस और नौ दो ग्यारह ये आंसर आ जाएगा ठीक है ये है सबका ग्यारह ग्यारह जीरो एट एट नाइन ठीक है समझ में आ गया ना अभी तो इस तरीके के क्वेश्चन पता है कहाँ मिलेंगे आपको सिंप्लीफिकेशन वाले हम काफ़ी दिखेंगे और डीआई में कुछ कुछ दिख जाते हैं ट्रिपल दिखा स्क्वायर करना पड़ गया दो मल्टीप्लाई करना पड़ गया ठीक है तो थोड़ा सा चीज़ें आपको आनी चाहिए और मैंने बोला ना कि कुछ जादूती नहीं है आपको ये देखो पता ही है ये नहीं पता कि पता कर लो ये बहुत काम में आता है एस एस सी में और रेलवे में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि उसमें ये बहुत काम में आता है आपको ये पता है इसके एप्लीकेशन देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे होता है ठीक है कोई बड़ा नंबर बोलो भैया छोटे छोटे नंबर करवा रहे हो यार बच्चों वाले चलो तो बड़ा नंबर लेते हैं चार डिजिट का ऐसे पूछ लेगा इसका स्क्वायर तो भी कर लोगे कुछ नहीं करना है टू स्क्वायर इंटू वन 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 का स्क्वायर और ये हमने जस्ट अभी खत्म किया ये देखो डायरेक्टली चार सौ उसमें मल्टीप्लाई कर दो ना चार सॉरी चार इंटू वन टू थ्री फोर थ्री टू वन ठीक है चार एकम एक चार चार दूनी आठ चार तीन बारह चले गए हाँ चार सौ सोलह एक सत्रह ठीक है चार दुनिया नौ, चार, चार ये आंसर हो जाएगा आपका ठीक है रहा रहा है रहा है चल गुड सेशन बेसिक स्ट्रॉग कर दिया आपने हा हा बेसिक स्ट्रांग करने के लिए तो आए मैंने आप लोग से एक वादा किया था कि आप लोग का बेसिक जो फाउंडेशन हिला हुआ है ना कई लोग का वो मस्त हो जाएगा बेसिक खत्म कर दूंगा मैं आपको जो फाउंडेशन की दिक्कत होती है ना कि फाउंडेशन अगर आपको स्ट्रॉग नहीं होता तो फिर आप क्या होता है जब आगे टीचर पढ़ाता है मैं देखा हूँ बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं मतलब अब उनको भी नहीं पता गलती उनकी भी नहीं है वो आएंगे अपने तरीके से पढ़ा चले आएँगे जैसे उनको समझ में आ रहा है आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो बच्चों को समझ में आना चाहिए बहुत ज़रूरी है चलिए बढ़िया चल रहा है सर आप फिजिक्स वाला सर के जैसे हो और ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया मुझे फिजिक्स वाला सर वैसे हमारी इंस्परेशन है मेरी इंस्परेशन है मैं उनको बहुत मानता हूँ मतलब दो तीन फैक्टर हैं एक तो फिजिक्स वाला सर मेरे कॉलेज के हैं पहली बार दूसरी बात मेरे शहर से हैं इलाहाबाद से और अच्छा लगता है काफ़ी बढ़िया काम किया उन्होंने ठीक है चलिए ठीक है तो चलिए ओके अब आगे बढ़ते हैं ये जल्दी से बना लो खटाक से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा जो एडिशन था देखिए प्रैक्टिस कराऊंगा मैं प्रैक्टिस से ही छोड़ दूंगा ठीक है जल्दी से करो ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये स्क्वायर ये मल्टीप्लीकेशन ये तीन डिजिट वाला सब कुछ रिवाइज हो जाएगा जल्दी जल्दी खड़ा से बताओ आंसर फिर बढ़ते हैं डिवीजन की तरीके पे चलो तो ये हो गया जल्दी बताओ खड़ा खड़ा से बताओ सर आपने जो थंबनेल पे लगाया वो नहीं बताया बस बस उसका अगला अगला यही है अगला यही है ये यह देखो सॉरी अगला वही है बस थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूँगा आप लोग को ये देखो सिखा दूंगा आप लोग को चिंता मत करो बस थोड़ा जल्दी थोड़ा सा थो वेट कर लो जल्दी से आप बस ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस कर लो ना मेरे साथ में तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ये जल्दी से बताओ ठीक है दो सौ नौ लोगों के आंसर आ गए देखिए जल्दी से मन में कैसे करेंगे ध्यान समझिए जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करेंगे मन में तिहत्तर सैंतीस होता है एक सौ दस कैसे किया भाई इसको इसको तीन दे दो चालीस सत्तर चालीस हो गया एक सौ दस ये हो जाएगा चौवनौ पैंतालीस मंत्री निन्यानवे एक सौ दस में निन्यानवे जोड़ दिया मतलब दो सौ नौ ठीक है ओके okay. डायरेक्ट हो गया ये ध्यान से देखिए कैसे करेंगे 125 को हमने अभी आपको सिखाया है कि 125 को एक हज़ार बाई आठ लिखा जा सकता है ठीक है अब आठ से इसको भाग देना है आठ से इसको भाग दे दें डायरेक्टली देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं वैसे कर दूं छप्पन सौ चार सौ मतलब हो जाएगा आपका सात सौ छप्पन सौ जाएगा आपका कितनी बार ये बेसिकली पैंतालीस है पैंतालीस इंटू आठ छः वो होता है ना तो पैंतालीस सौ यहाँ मिल गया और नौ मिल गया देखो यही आ रहा है क्या पैंतालीस सौ नौ ठीक है तीन जीरो एक बार चेक कर लेते हैं जरा आठ चौके सॉरी सॉरी पैंतालीस नहीं पैंतालीस नहीं पचहत्तर पचहत्तर आएगा पचहत्तर आएगा हाँ पचहत्तर सौ नौ यही आ रहा है क्योंकि पचहत्तर को ले आठ छः हजार हो गया आपका ठीक hmm. किया है ना आठ सौ छप्पन चार हाँ ठीक है यही आ रहा है ना ठीक है वरना आप मल्टीप्लाई भी कर लो अगर वो समझ नहीं आता तो देखो कैसे किया मैंने आठ सदस्य होता है छप्पन ठीक है चार बचेगा का सैंतालीस आठ पच्चीस चालीस बहत्तर बचेगा ये हो जाएगा नौ ठीक तो तो। है सॉरी सर फिफ्टी नाइन आएगा ना, सॉरी 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 य बताओ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है समझ गया सर फिफ्टी नाइन हो गया तो वो गलती हो गई थी ये बताओ तो नेक्स्ट वाला तिरानवे माइनस थर्टी वन कितना आएगा अच्छा ये आप लोग को रूल पता है मैंने इसका रूल बताया था मतलब वैसे तो माइनस कर सकते हो लेकिन दिमाग में सोचो ना ये वो नंबर है जिसको रिवर्स कर दिया गया है याद है तो रिवर्स कर दिया गया मतलब डिफरेंस कितना होगा नाइन इन टू दी डिफरेंस ऑफ डिजिट मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा नौ गुड़े और उनके डिजिट्स का अंतर कितना है नौ तीन गए छः तो नौ छव डायरेक्टली लिखोगे ठीक है सोचना भी नहीं पड़ेगा इसको बताओ जस्ट अभी बताया मैंने ये तो ईजी है अभी जस्ट बताया कर लोगे यार और ये थ्री डिजिट का भी आप बताया कर लोगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं वहाँ डिवीजन रह जाएगा ठीक है चलो आ, अच्छा ये कर लो जल्दी से जल्दी से कर लो फिर आगे बढ़ते हैं फिफ्टी एट मिनट हो गया ना अभी पंद्रह दस से पंद्रह मिनट लगेगा आपका डिवीजन वाले में ठीक है ये वाला करो करो ये आप, आप लोग जल्दी करो चलिए देखिए मैं जल्दी से बताता हूँ देखिए जब भी दे आपको डेसिमल दिखे ना तो उसको हटाने की कोशिश करो हटाने का मतलब यहाँ से दो निकाल लो तो दो इंटू साढ़े अठारह हो जाएगा छत्तीस एक सैंतीस सैंतीस इंटू यहाँ पर क्या था छः बचेगा सैंतीस छ करना आसान है कैसे करोगे भाई एक सौ अस्सी प्लस छप्पन मतलब कि अट्ठारह पाँच तेईस दो सौ छत्तीस हो जाएगा ठीक है इसको बनाओ जल्दी से इसको बनाओ कितना आ रहा है आप लोग का ओके अब देखो छत्तीस है ना इसमें क्या देंगे जल्दी से खत्म हो जाए पॉइंट पचहत्तर को अगर डबल करोगे तो पॉइंट आएगा चार से मल्टीप्लाई करो इससे चार निकाल लो छत्तीस को मैं लिख दूंगा चार इंटू नौ और इसको चार से गुड़ा कर दो अब अठारह पॉइंट पचहत्तर को देखो ये सब मन में करना होता है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अठारह पॉइंट पचहत्तर चार नौ ठीक है इसको चार से देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे ध्यान सुनना अठारह चौके होता है बहत्तर और पॉइंट पचहत्तर को चार से मल्टीप्लाई करोगे मतलब आपको तीन मिलेगा ठीक है तो बहत्तर तीन हो गया पचहत्तर ठीक है तो पचहत्तर इंटू नौ सही कर रहे हैं ना ठीक आप देखो पचहत्तर इंटू नौ करना बहुत आसान है दो तीन तरीके से कर सकते हो आप इसको साढ़े सात सौ माइनस पचहत्तर कर सकते हो एक तरीके तो छह सौ पचहत्तर आ जाएगा या फिर मल्टीप्लाई कर लो नौ सौ तिरसठ छह सौ तीस प्लस नौ पचे पैंतालीस पैंतालीस छह सौ तीस पैंतालीस जोड़ेंगे छह सौ पचहत्तर आ जाएगा डायरेक्टली ठीक है हो गया होगा आई होप सो चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से जल्दी से बनाइए जल्दी से करो और ये भी करो खटाक से ये पता है ना चलो डिवीजन करते हुए लेट हो जाएगा ये वाला पता है ना आपको इतना आ रहा दिखाओ जल्दी से आप लोग फाइव फोर्टी लोग देख रहे हैं और आंसर नहीं बता रहे हैं आप लोग ए, ओके सर आया बताओ ना मतलब समझ में आ गया सर स्लो बताइए नहीं समझ में आ रहा ओहो सॉरी ये समझ में नहीं आया डेसिमल वाला ए, ओके मुझे लगा थोड़ा जल्दी में समझ में नहीं आएगा चलो मैं समझाता हूँ देखिए ध्यान से देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान सुनिएगा अभी भी जैसे मान लीजिए जब आप मल्टीफीन वगैरह करते हो सिंप्लीफिकेशन जब आते हैं ना तो आपको वहाँ पे ऐसे बहुत सारे नंबर मिलते हैं नाइन पॉइंट फाइव इंटू कुछ ऐसे बड़ा सा करना हो गया हमारी छत्तीस करना हो गया कुछ भी वगैरह वगैरह तो हमें क्या होता है कि देखिए नाइन पॉइंट फाइव ये जो नंबर डिसंबर का होता है ना अगर आप इसको एक परफेक्ट नंबर में नॉर्मल नंबर में ग्रवर कर लो तो गुड़ा करना या फिर कुछ भी करना आसान हो जाता है तो मुझे पता है यार साढ़े नौ मतलब पॉइंट फाइव है पॉइंट फाइव का मतलब होता है पॉइंट फाइव इंटू टू होता है मतलब वन तो छत्तीस में से अगर मैं दो गुड़े अठारह कर दूँ इसको तो मेरा काम हो जाएगा क्यों क्योंकि साढ़े नौ इंटू दो करना आसान है और ये सब चीज़ थोड़ा मन में किया करो आप जैसे आप नौ दूनी अठारह करते हो और दस दूनी बीस बोलते हो वैसे साढ़े नौ इंटू दो करोगे तो उन्नीस आएगा ये बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो आपने तुरंत ही क्या लिखा उन्नीस इंटू अठारह अब ये करना थोड़ा आसान है थोड़ा आसान है कैसे भाई आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो खराक से इससे ठीक है एक बात और आप इसको नाइन्टीन नाइन्स वन भी ले सकते हो ध्यान से देखो बहुत मज़ेदार नंबर है ये सॉरी नाइनटीन माइनस वन भी लिख सकते हो तो हो जाएगा नाइनटीन स्क्वायर माइनस नाइनटीन मतलब कि तीन सौ इकसठ माइनस नाइनटीन तीन सौ इकसठ में पहले बीस घटा दो मतलब थ्री फोर्टी वन लेकिन सॉरी एक और घटाना पड़ेगा आपको ठीक है तो हो जाएगा थ्री फोर्टी टू बात समझाए ये मैं समझाना चाहता आपको एक और भी नंबर लेता हूँ जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट पचहत्तर वाला समझाता हूँ मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि थ्री पॉइंट पचहत्तर कुछ भी लिखा हुआ है और इनटू Uh, कुछ नंबर लिखा हुआ मान लीजिए कि लाइक क्या लिख दें बताइए चौबीस uh, लिख दीजिए चौबीस लिखा हुआ है मान लीजिए ठीक है तो कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखो जैसे पॉइंट फाइव जो होता है पॉइंट फाइव में अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक हो जाता है ऐसे पॉइंट पचहत्तर जो होता है इसमें मैं अगर चार से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह तीन हो जाता है आपको भाई ये कैसे पता आपको यार आप क्या सर शक्तिमान हो नहीं पॉइंट पचहत्तर को देखिए वन में सोचो ना पॉइंट पचहत्तर को अगर डबल करोगे तब तो भी वन पॉइंट फाइव रहेगा डेसिमल रहेगा ही रहेगा हमको डेसिमल हटाना था ना तो हम क्या करेंगे चार से गुला कर देंगे चार से गुला करते हुए क्या होगा दो सौ किया तो वन पॉइंट फाइव फिर डबल कर दिया तो थ्री आ गया ऐसे कुछ नंबर जैसे मान लीजिए अभी पॉइंट वन टू फाइव है आपका अब ये जस्ट हमने अभी पढ़ा था तो याद होगा आपका ये हज़ार बाई आठ के आसपास होता है मतलब सॉरी अगर मैं यहाँ पे वन बाई आठ कर दूँ ऐसे ये वन बाई आठ होता है ये सब छा चीज़ें पता रहेंगी ना तो आप जल्दी से सिम्पलीफिकेशन को क्वेश्चन को निपटा दोगे वही मैंने वहाँ पर यूज़ किया था आपके इसमें ठीक है चलिए ये वाला बनाइए समझ में आ गया हो ना तो समझ में आ गया हो काफ़ी डिटेल समझा दिया चलिए आगे बढ़ते हैं डिवी वो करते हैं जल्दी से समझ में आया कि भी सर अपनी सैलरी जस्टिफाई करो मतलब जस्टिफाई करना होता है क्या दिखाया था मैंने सैलरी स्लिप वगैरह चलो इसका नंटी आ रहा है इसका कितना आ रहा है अच्छा इसका बता रहे क्या आप लोग ठीक है ठीक है सबसे हो गया सबसे हो गया ठीक है अब ध्यान सुनो ध्यान से जैसे मैंने इसकी ट्रिक बताई आपको मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था कि देखिए पॉइंट वन टू फाइव जो होता है ना बेटा आगे इसको अगर आठ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक आता है आप करके देख लो एक आता है ठीक है तो वही चीज यहां मुझे पता चल गई अरे ये तो पॉइंट वन टू फाइव है तो मुझे क्या करना है किसी तरह इसमें से आठ निकालना है तो मैं क्या करूंगा इसको आठ इंटू नाइन लिख दूंगा एट इंटू नाइन अब इसको आठ से मल्टीप्लाई करना आसान है कैसे आप पहले आठ को तीन से मल्टीप्लाई कर दो आठ सिक होता है चौबीस और फिर पॉइंट वन टू फाइव को आठ से मल्टीप्लाई करोगे तो चौबीस और ये हो जाएगा एक पच्चीस और पच्चीस इंटू नौ कितना होता है दो सौ पच्चीस पूरी दुनिया जानती है ये बात इवन अंबानी जी को भी पता है ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा चलिए इसका बताइए जल्दी से ठीक है ये आ रहा है आप लोग का नहीं नब्बे आ रहा है अच्छा एक मिनट कुछ गलती कर दिया मैंने

ओके okay, ओके okay. तो वो सभी लोग को सॉरी जो थंबनेल पे देखे थे वो सोच रहे हैं कितना लेट हो रहा है वो ये है देखिए थ्री डिजिट का डिवीज़न करना एक मुश्किल टास्क होता है तो हम क्या करेंगे हमको वहाँ पे यूज़ करना होता है रेशियो मेथड इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे समझाता हूँ इसे मान लीजिए कोई थ्री डिजिट के दो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको आपको डिवाइड करना है तो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर आपने बहुत क्लोज आंसर निकाल लिया जैसे मान लीजिए कि कोई डिवीज़न आपने करना है ठीक है और उसका एक्चुअल जो आंसर है जो कैलकुलेटर से आ रहा है वो मान लीजिए कुछ ऐसा है कि अरे यार पेन की नेब टूट गई यार शिट अच्छा टूट गई यार ये बहुत महंगी पेन आती है चलो सेवनटी सेवन पॉइंट टू फोर फाइव मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है ठीक है जो भी हम तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं इससे आप आंसर के बहुत क्लोज एकदम एग्जैक्ट लगभग नंबर आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए हो तो ऐसे ही आ जाए वरना ऐसा होता है कि सेवनटी लाइक टू थ्री या फिर टू फोर ऐसे नंबर आपका आ जाएगा अगर आप इतना क्लोज़ भी आंसर जल्दी से पा जा रहे हो दस से पंद्रह सेकेंड में तो आप बहुत बेहतर हो और ये तरीका वहीं आपके लिए कारगर होगा वहीं काम आएगा ठीक है अब ध्यान सुनना बहुत बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूँ इसके पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है देखिए ध्यान सुनिएगा आप लोग ने बचपन में ये पढ़ा होगा ध्यान सुनो कि जैसे वन बाई टू है तो उसको हम इक्वल टू टू बाई फोर लिख सकते हैं ठीक है इक्वल टू थ्री बाई सिक्स लिख सकते हैं ये सब आपको पता है अब ध्यान सुना रेशियो में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हम न्यूमिनेटर को जोड़ भी देना और डिनोमिनेटर को भी जोड़ दें तब भी आंसर वही रहता है मतलब वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स तब भी आंसर तो वही रेशियो रहेगा यह बात पता है एग्जाम्पल समझते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइव बाई सेवन ठीक है ध्यान सुनिएगा ठीक है अब मैंने इसी के रेशियो में अगर नंबर जोड़ दिया मतलब मान लीजिए पाँच ध्यान सुनिएगा पाँच प्लस पच्चीस कर दिया मैंने मतलब इसका पाँच गुना मैं जोड़ रहा हूं तो आप इसका भी पाँच गुना जोड़िए सात पचे पैंतीस अब देखते हैं आंसर क्या रहा आ रहा है भाई क्या रहा सॉरी तीस और ये हो जाएगा हमारा बयालीस ठीक है अब इसको काटो जरा किससे कटेगा छः पंचे तीस छः सतह बयालीस आ गया आंसर ठीक है तो अगर आप किसी रेशियो में उसी के रेशियो में नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो रेशियो चेंज नहीं होता अनचेंज रहता है या फिर आप कुछ जोड़ रहे हैं या फिर आप कुछ घटा रहे हैं तो वो सेम रहेगा जैसे मान लीजिए समझ जाता हूँ जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है पाँच और यहां से मान लीजिए कुछ भी लिखा है मान लीजिए आठ लिखा हुआ है ठीक है अब आपने क्या कर दिया ना कुछ जोड़ रहे हैं मान लीजिए तो आपने जोड़ दिया भाई मान लो कि दस जोड़ दिया आपने ठीक है अब इसका डबल है डबल जोड़ा है आपने ठीक है तो यहां भी क्या करना डबल जोड़ना पड़ेगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो भाई पंद्रह और यहां पे हो जाएगा सोलह आठ आपका चौबीस देखो रेशियो चेंज नहीं हुआ वो उसी रेशियो में है चेक कर लो ठीक है तीन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं बताइए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए फाइव बाई सेवन क्या लिख रहे हैं आप लोग हाँ वो ठीक है लेकिन ये समझ में आया कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि किसी रेशियो में इसको मैं फॉर्मल वे में अगर लिख दूं अगर तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई रेशियो है ए बाई बी ठीक है और आपने इसमें कुछ इसका मल्टीपल मल्टीपल ऐड किया एक्स ए ठीक है और वही मल्टीपल आपने इसमें ऐड किया एक्स बी तो ये आंसर ए बाई बी ही रहता है ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो यहां से ए कॉमन लोगे तो आएगा वन प्लस एक्स यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे तो आएगा वन प्लस एक्स और ये दोनों कट जाएंगे तो उत्तर आपका ए प्लस ए पॉन बी आ जाएगा ये कौनसेप्ट पता होना चाहिए सिर्फ याद होना चाहिए समझ में आया समझा 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 समझ सम्झ गया समझ गया ठीक है समझ में आ गया कोई क्या समझ में नहीं आया किसको समझ में नहीं आया क्या नाम है तृप्ति तृप्ति समझ में आया आपको कि नहीं आया अभी ये कौनसेप्ट समझ में आया आपको एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ और कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है ए अपॉन बी ठीक है और इसको समझाते हैं और इक्व टू ये लिखा हुआ है सी अपॉन डी ठीक है तो इन दोनों रेशियो को अगर आप ऐड कर दोगे ना तो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी यही वैल्यू आएगी चाहे आप करके देख लो वही मैं आपको पहले समझा रहा था ठीक है सर कुछ रूल्स होते हैं लाइक ये वाला ये वाला ये रेशियो के कुछ तरीके होते हैं मेथड्स होते हैं जो कि आपने क्लास सेवन थ में पढ़े हैं पढ़े हैं, नहीं पढ़े बताइए ठीक है इसी चीज़ का मैं यूज करूंगा ध्यान सुनना अभी आ गया आ गया ठीक है ओके अब आ गया लगभग सबको अब इसी कॉन्सेप्ट का देखना मैं जब जबरदस्त यूज करूंगा ठीक है अच्छा मैंने यहां प्लस माइनस भी लिखा है आप माइनस भी कर दो तब भी सेम चीज है माइनस भी कर सकते हो ठीक है प्लस माइनस ए प्लस माइनस एक्स से बी प्लस माइनस एक्स बी जो होता है वो ए बाई बी ही होता है ये रूल आपको पता होना चाहिए अब बहुत ध्यान सुना जो मैं करने जा रहा हूं पहला वाला अभी मुझे क्या करना है ना वन ट्वेंटी थ्री अपॉन फोर सेवेंटी थ्री की ना एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है देखो कैसे निकालेंगे ध्यान सुनना ये जो है इसको देखो ये इसका इन का रेशियो अगर मैं एक approximate रेशियो निकालू तो कितना रेशियो होगा के के आसपास है। by के आसपास है है देखो ना चार गुना कर दो इसका फोर सिक्सटी नाइन के आसपास है ठीक है तो मतलब वन बाई फोर का रेशियो है ठीक तो अगर मैं वन बाई फोर के रेशियो में कुछ इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी पहली बात दूसरी बात अब देखो ये आपके लिए निकालना डिफिकल्ट क्यों था क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बहुत अजीब सा है 473 अभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता 123 ट्वेंटी थ्री अपॉन फाइव तो आप आसानी से निकाल लेते कहते तो भैया जीरो छोड़ो पाँच से इसको डिवाइड कर दो आंसर आ गया कर लेते ना तो मैं इसी को ना क्या करूँगा डिनोमिनेटर को आसान बना दूंगा इसको बना दूंगा पाँच ध्यान सुनना अब इसको मराऊंगा पाँच सौ लेकिन पाँच बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और चार में कितना ऐड कर दें सत्ताईस यहाँ पे आप सत्ताईस ऐड करो जरा

सेवन एक सौ तेईस में सेवन जोड़ो जरा कितना आएगा एक सौ तीस आएगा और इसको सॉल्व कर लो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ये आंसर सेम आएगा देखना ज़रा जीरो जीरो कट गया पचास से ये तेरह बार कितना जाएगा दस मतलब दो पॉइंट थ्री सॉरी सिक्स तो टू सिक्स मतलब पॉइंट जीरो पॉइंट टू सिक्स आएगा बेसिकली ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स आप लोग जरा कैलकुलेटर निकालो मैं दिखाता हूँ आप लोग को और देखो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है छः सात क्या लिख रहे हो आप लोग ये नहीं 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 छः सात कैसे आ रहा है क्या लिख रहे हो छः सात क्या लिख रहे हो आप लोग जीरो पॉइंट टू फाइव समथिंग हाँ एग्जैक्ट निकाल लो एक बार मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ वन ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई फोर सेवेंटी थ्री देखो मैंने किया ना तो आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताना वन ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई फोर सेवेंटी थ्री ओह कुछ गलत हो गया क्या वन ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई फोर सेवेंटी थ्री हाँ सॉरी ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स आ रहा है ठीक है तो भाई मैं बोल रहा हूँ आप आंसर के बहुत क्लोज पहुँच जाओगे बहुत क्लोज ठीक है और इतना हमारा काम हो जाएगा और देखो क्या ये इसका एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन देखो कैसे आता है ये पूछ लेगा कि इसका कितना परसेंट है या फिर कुछ मान लो ये होगा नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे ये टोटल क्या होंगे क्लास की स्ट्रेंथ होगी तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने परसेंटेज हैं टोटल क्लास के बच्चे की तुरंती तो आप आंसर दे दो छब्बीस परसेंट या फिर जो छब्बीस के आसपास आंसर होगा ठीक है गैप होगा कैसे ऑप्शन में आपके होते हैं ना पच्चीस तीस पैंतीस ऐसा कुछ रहेगा त्वेंतीस छब्बीस देख के आप आंसर मार्क कर दोगे और ये तो मैं सिखा रहा हूं जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना दोस्त दस से पंद्रह सेकंड लगते हैं इस उसे करने में दस से पंद्रह सेकंड ठीक है चलो क्वेश्चन करते हैं आपको समझ में आएगा एक क्वेश्चन और करवा दो समझ में आ जाएगा अच्छे से चलो ये बनाते हैं जैसे मान लो सेवन ट्वेंटी थ्री अपॉन वन फोर वन वन पहले बार बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार कि मैं ही पढ़े जा रहा हूँ बस आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है समझ में आया ओके थैंक यू समझ नहीं आया प्लीज एक बार हाँ ठीक है ठीक है मैं समझ गया ठीक है मैं फिर से देखो बता रहा हूं समझो ध्यान से जो नंबर दिया है ना पहले उनका आप एक अप्रोक्सीमेट रेशियो पता कर लो कि वो किस रेशियो में है अप्रोक्सीमेट चलेगा ठीक है अप्रोक्सीमेट चलेगा जैसे यहां पे देखिए तो 700 और ये 1400 मतलब वन इंटू टू के रेशियो में आसपास हैं रेशियो में है ये बात समझ में आ रही है अप्रोक्सीमेट रेशियो लिखना है एग्जैक्ट नहीं लिखना अप्रोक्सीमेट लिखना है ठीक है तो वन इस टू के रेशियो में है ठीक अब मैं ये बोल रहा था आपसे कि इसमें आप क्या करो अपने डिनोमीटर को आसान बनाओ जैसे मान लो अभी चौदह सौ ग्यारह की जगह चौदह सौ होता फोर्टीन होता यहां पर सौ होता तो वो करना आसान होता ही नहीं होता तब तो ट्वेंटी आप डिवाइड कर, कर देते तो वही हमारा एम है कि हम डेनोमीटर को आसान बनाएंगे अब कैसे बनाएंगे जो भी आप करिएगा वो बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जोड़ें या फिर घटाएं वन इंस टू तो टू के रेशियो में ही जोड़ें घटाएं क्योंकि तो ये रूल होता है ठीक है अब ध्यान सुनिएगा अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई मैं इसमें अगर ग्यारह ना माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा तब यहां क्या हो जाएगा चौदह सौ हो जाएगा और फोर्टीन से डिवाइड कर लेंगे खटाक से ठीक है अब मेरी बात अब ध्यान सुनना अब ध्यान सुनना आप जो भी चीज करोगे ना ये जो x है ये दोनों में सेम होना चाहिए x का मतलब कितना मल्टीपल आप ऐड कर रहे हो तो टू में कितना हम मल्टीप्लाई कर देंगे ग्यारह आ जाएगा बेसिकली साढ़े पाँच साढ़े पाँच टू इंटू साढ़े पाँच क्या होता है ग्यारह होता है तो यहाँ पे आप साढ़े पाँच जोड़ अब साढ़े पाँच का मतलब आप पाँच जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है अप्रॉक्सीमेट रेशियो लिख रहे हैं तो सेवन ट्वेंटी एट आएगा अब आप इसको डिवाइड कर लो और देखना आंसर सेम आएगा समझो अब मान लो यहाँ माल, अगर मान लो परसेंटेज पूछा होता तो मैं इंटू हंड्रेड भी कर देता लेकिन ठीक है अभी ये करते हैं अब इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ ध्यान देखना चौदह पंचे होता है आपका सत्तर ठीक है सत्तर और दो आ जाएगा अट्ठाइस ए तो कट गया पूरा अट्ठाईस मतलब चौदह फिफ्टी टू परसेंट आ गया चेक करो फिफ्टी टू आ रहा है क्या फिफ्टी टू पॉइंट समथिंग आ रहा होगा एकदम फिफ्टी टू क्लोज आ रहा होगा फिफ्टी वन फोर आ रहा है मैंने कुछ गलती की क्या अच्छा सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी यार पांच हमने यहाँ पे घटाया था ना माइनस किया था सॉरी हमने माइनस किया था माइनस ग्यारह सॉरी माइनस ग्यारह किया था, था सॉरी यार तो हमने क्या करना है सॉरी आई एम रियली सॉरी तो हमने क्या करना है साढ़े पाँच घटा देंगे साढ़े पाँच घटा देंगे तो अब इसमें जरा पाँच घटाइए आप कितना आएगा सात सौ अठारह आ जाएगा अब सात सौ अठारह को आप डिवाइड कर लो चौदह सौ से ठीक है ये कितना हो जाएगा चौदह पंच सत्तर ठीक है सत्तर आ जाएगा अठारह अठारह मतलब कि चौदह एकम चौदह ठीक है Uh, क्या बचेगा चार बचेगा फोर्टी तो मतलब चौदह ट्रिक कह सकते हैं फिर चौदह बयालीस वगैरह कहते तो, फिफ्टी वन पॉइंट थ्री परसेंटेज परसेंटेज में अगर लिखा है पूछा है तो और डिसम्बल में चाहिए तो जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री समथिंग ऐसे यार थ्री फोर आ जाएगा यही रहा है हाँ माइनस करना है समझ गया गलती हो गई थी यार सॉरी माइनस कर दिया हाँ समझ गया समझ गया समझ गया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है बताओ मुद्दा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं पहले बताओ बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है एक बार अगर हैबिट चुअल हो गए ना तो बड़े बड़े नंबर्स का डिवीजन खटाक से करोगे हाँ हाँ ऊपर माइनस कर दिया थोड़ा चैट डिले चल रही है क्या एक मिनट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा एक एक बहुत बढ़िया किसी ने क्वेश्चन पूछा यही मैं समझाना चाह रहा था ठीक है ठीक है ठीक है आ दूंगा प्रैक्टिस के लिए देखो अब ध्यान दोस्तों बहुत ध्यान सुनिएगा क्या होता है ना मेरी बात सुनिए अब हमारे दिमाग में कई बार ऐसा आता है ना ध्यान सुनिएगा कई लोग ऐसा करते हैं कई लोग बहुत कई लोग क्या बहुत लोग करते हैं कि वो कहेंगे भैया सात है यहाँ पे चौदह है ठीक है तो यार ये तेईस को हटाओ ठीक है जीरो जीरो कर दो और इसको हटा दो दो डिजिट सात बाई चौदह वन बाई टू मतलब फिफ्टी परसेंट क्लोज ही तो है आप ऐसे कर सकते हो लेकिन लेकिन ऑप्शंस का ध्यान रखना अगर आपको डायरेक्टली आंसर ऐसे मिल रहा है क्योंकि ऐसे आप करोगे तो फ्लक्चुएशन आएगा जैसे मान लो आपने अगर ट्वेंटी वन बाई टू कर दिया तो फिफ्टी परसेंट आया फिफ्टी परसेंट आया लेकिन वैसे हमने किया तो कितना आया फिफ्टी वन पॉइंट थ्री समथिंग आया ना थ्री फोर परसेंटेज आया और आप एक बार जरा इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से देखो कितना आता है सेवन टू थ्री डिवाइड बाई वन फोर वन वन देखो एकदम क्लोज आया फिफ्टी वन पॉइंट टू फोर आंसर आ रहा है फिफ्टी वन पॉइंट थ्री हमारा आया है तो डिपेंड करता है कि आपको कितना क्लोज आंसर चाहिए ठीक है अगर ऑप्शन में गैप बहुत दूर दूर हैं। ऐसा है मान लो ऐसे ऑप्शन होते हैं पचास लाइक एटी टू ठीक है या फिर कुछ ऐसा होता है थर्टी तो आप ऐसे खराक से कर लो ये तो हाफ है लेकिन ऐसे ऑप्शन होते नहीं वो ऑप्शन क्लोज होते हैं ठीक है इसलिए आपको एक तरीका पता होना चाहिए श्योर शॉर्ट जिससे आप आंसर जल्दी से निकाल सको ठीक चलो जल्दी से इसका बताओ खड़ाक से जल्दी से बताओ फोर्थ यार पेन चली गई यार खराब हो गई शीट फोर थ्री फाइव यार पेन गिर गई थी यार पेन को ना बहुत संभाल कर रखना पड़ता है <laughs> पेन को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है गिर जाती है ना बहुत चलो तो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताना आप लोग मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए आए हैं ठीक है लाइक के बटन को दबाना ना भूलें अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फुल सपोर्ट दिखाइए अच्छा लग रहा है क्योंकि यार देखो फ्री एजुकेशन मतलब जो करना ना उसमें यही होता है कि कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब करना चाहिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए इससे होता ये है कि थोड़ा सा हमेशा वन बाय टू ही करेंगे क्या नहीं नहीं यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अच्छा वन बाई टू हो गया ये चलो गलती से आ गया अभी आने का वन बाई टू नहीं है वन बाई टू नहीं चिंता मत करो वो तो क्वेश्चन डाल रखा होगा अभी ये वाला मिलेगा ना इसमें वन बाई टू नहीं है जब भी चलो छोड़ो वही करता हूँ डायरेक्टली मैं वही कराता हूँ आपको देखो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो अगर आपने कर लिया तो बता दो जल्दी से चलो बता दो मैं करवा देता हूँ जल्दी से फोर थर्टी फाइव अपॉन सेवन एटी फोर आ रहा है ठीक है ठीक है पचपन पॉइंट फाइव परसेंट अगर डिजेम लिखने तो पॉइंट फाइव फाइव फोर आ रहा है ठीक है लगभग सभी का सही है सही है इतना ही आ रहा है मुझे याद है इतना ही आना चाहिए ठीक है चलो तो ये वाला स्टार्ट करते हैं ये समझाता हूँ मैं आपको जिससे आपको ये ना लगे कि हमेशा एग्जैक्ट क्या नंबर ही मिलेगा क्या देखो अब मेरे पास ध्यान सुनना बच्चों ठीक है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई नंबर मिल जाएगा जैसे यहाँ पे वन बाई फोर मिल गया वन बाई टू मिल गया कई बार आपको रेशियो देखना पड़ेगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ठीक है यहाँ पे है ध्यान सुनिएगा तो यहाँ पे हम क्या क्या अच्छा आप क्या समझ सकते हैं एक बार बताइए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टाइम्स नहीं है लेकिन कुछ ये समझ में आ रहा है ना कि यार ये छः सौ के आसपास और ये लाइक अगर मैं कम कर दूं दोनों को तो सिक्स बाई एट का रेशियो है इतने बात मानोगे आप लोग सिक्स बाई एट का रेशियो लगभग है ठीक है अगर मैं इसको सिक्स बाई एट के आसपास मान लूँ सिक्स बाई एट क्या होता है थ्री बाई फोर ही होता है ना ठीक है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यार ये ना थ्री बाई फोर के रेशियो में है है ना ठीक है अगर ये थ्री बाई फोर के रेशियो में है तो अब जो मैं इसमें करूंगा चाहे जोड़ू चाहे घटाऊं आई एम री सॉरी ठीक है जैसे आप उसका काम वो कर सकते हो इसको बढ़ा के सेवन बाई नाइन भी कर सकते हो कैसे भी कर लो चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ सेवन बाई नाइन करो चाहे सिक्स बाई एट थ्री बाई फोर करो आंसर सेम ही आएगा ठीक है आ, मैं कर रहा हूँ उसको मान लो थ्री बाई फोर है ठीक है ध्यान सुनना अभी मैं क्या करूँगा इसको तिहत्तर ना कम कर दूंगा माइनस कर दूंगा जब भी प्लस कर देते प्लस करना आसान है बगल में तो इसको सत्ताईस प्लस कर देते हैं अगर सत्ताईस प्लस करोगे कर तो ये बन जाएगा नौ सौ बहुत ध्यान सुनना बच्चों ठीक है चार सत्ताईस का ये क्वेश्चन हमने किया था क्या अच्छा बंदा हाँ चार सत्ताईस कितना गुना है लगभग सात गुना है चार सतह अठाईस होता है तो जितना टाइम से आप डिनोमीटर ऐड कर रहे हो उतना टाइम से आप डिनोमिटर ऐड करो तो तीन सतह कितना होगा इक्कीस तो उसमें अपन क्या करेंगे ना इक्कीस जोड़ देंगे अब छिहत्तर में इक्कीस जोड़ो कितना हो जाएगा आपका नाइन्टी सेवन ये हो जाएगा सिक्स नाइनटी सेवन यही होगा सही कर रहे ना ठीक अब जैसे इसको सोल्व कर लो देखो कितना आ रहा है नौ तो होता है तिरसठ तो आपका बच जाएगा छ तिरसठ आ जाएगा फिर हो जाएगा नौ सतरेसठ आपका तो बच जाएगा चार और फिर हो जाएगा आपका नौ चौके छत्तीस ठीक है और फिर बच जाएगा चार तो नौ चौके छत्तीस हो जाएगा मतलब पॉइंट सेवन फोर फोर ये आ रहा है क्या एक बार चेक कर लो आप लोग दिखाओ कितना आ रहा है आप लोग का हाँ ठीक है पॉइंट सेवन सेवन आ रहा है ना बढ़िया ये कैलकुलेटर में चेक चेक कर लेते हैं, देखो देखो आप लोग सामने करता है, है? देखो, आंसर है आया, आया, देख लो, ठीक है? तो ये method होता अप्रोक्सीमेट रेशियो लेकिन आंसर से exact आता है, बहुत बढ़िया मतलब, बहुत शानदार मेथड मतलब है ये ठीक है भैया ऐसे और भी ट्रिक्स बताइए देखो ट्रिक ट्रिक्स वाला चैनल नहीं मैं बहुत आपको बहुत ट्रिक्स नहीं बताऊंगा मैं आपको सिर्फ वो ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके रियलीम एग्जाम में काम में आती है और जिसको आप यूज कर सको अब आज के बाद आप कहीं भी पढ़ो किसी भी टीचर से पढ़ो किसी भी किताब से पढ़ो कोई मॉक लगाओ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ समझा देता हूँ बात मानो मेरी जब भी डिवाइड करना हो जब भी ये सब क्वेश्चन पूछे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पता है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि नंबर ऑफ मान लीजिए मैथमेटिक्स की बुक्स इतनी है छः और टोटल बुक्स रूम में इतनी है तो बताइए मैथ्स की बुक उसका कितना परसेंटेज है तुरंत ही आप बता दो सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर परसेंटेज ठीक है तो इस तरीके से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और प्रैक्टिस ना बहुत फास्ट करोगे तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं जब मैं करता हूं तो दस से पंद्रह सेकंड लगते हैं मैक्स समझ में आने में मतलब करने में ठीक है अच्छा खत्म हो गया क्या चलो तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए प्रैक्टिस के जल्दी जल्दी आंसर बताओ फिर तो क्लास को ओवर करते हैं जल्दी से करिए इसको मज़ा आ रहा है ना सबको अच्छा लग रहा है अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आपको पता है क्या करना है तो कैल्यूटर बन चुका हूं मैं बहुत बढ़िया तो अच्छी बात है ठीक है चलिए इसका जल्दी जल्दी आंसर निकालिए जल्दी जल्दी आपके यहाँ पे मुझे स्पीड चेक करनी कितना आप फास्ट क्योंकि फायदा क्या हुआ अगर आपको स्पीड नहीं आप गेन किए तो फायदा क्या हुआ ठीक है एक बार दोबारा बता दो बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है चलिए चलिए अपना प्यार दिखाते रहिएगा सपोर्ट दिखाते रहिएगा ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूँगा आपको ठीक है लाइक कर दिया जाइएगा शेयर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ जब भी आपको अच्छा लगेगा कुछ चीज़ शेयर कर दिया करिए शेयर करने में कभी कुछ बुरा नहीं होता क्या होता है लोगों को हेल्प ही होती है ठीक है शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है चलिए ये, ये लास्ट करते हैं फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा ओके कुछ क्वेश्चन है वो चलिए वो बाद में लेंगे अभी ये करते हैं एक बार जिनको नहीं समझना है वो लास्ट टाइम समझ लें एक बार देखिए हमें क्या करना है ना बच्चों टू फोर्टी थ्री और आठ सौ सत्रह का ना एक वैल्यू निकालनी है इनका रेशियो इनकी वैल्यू निकालनी है कई बार एग्जामिनेशन में आपको इंटू हंड्रेड दे के इसका परसेंटेज पूछ लेगा अब होता क्या क्या अगर हमको ट्रिक नहीं पता तो आप आठ सौ सत्रह से डिवाइड करने का बैठ गए ना ऐसे तो आपको शाम हो जाएगी पेपर की थर्ड शिफ्ट चालू हो जाएगी और फोर्थ शिफ्ट भी शाम की स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम हॉल से निकल जाएंगे टी सीज वाले दरवाज़ा बंद कर देंगे तब तक आप नहीं निकाल पाओगे ठीक है तो इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनेशन में आपको वहां करना होता है फास्ट ठीक है अब वो फास्ट कैसे करोगे वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे देखिए एक रूल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर नंबर मान लीजिए किसी रेशियो में है ठीक है तो आप अगर इसी रेशियो में वन इस में कुछ अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो रेशियो चेंज नहीं होता मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जोड़ा पाँच ठीक है अब लेकिन ये तो रेशियो वन एस टू फोर का था तो मतलब चार गुना था तो पाँच चौके होता है बीस अगर तो आप बीस जोड़ेंगे तो ये रेशियो अनचेंज रहेगा आप चेक कर लीजिए छः अपॉन चौबीस वन बाई फोर ही होता है यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं ठीक है अब वही मैं यहाँ पे लगाऊंगा देखिए जरा ध्यान से कि ये किस रेशियो में है एक अप्रोक्सीमेट रेशियो जिसको बोलते हैं हमने अप्रोक्सीमेट रेशियो मान लिया कि ये मान लीजिए वन एस टू फोर के आसपास है उसी के आसपास है ठीक है अब इसमें मैं क्या जोड़ दूँ क्या घटा दूँ जल्दी हो जाए देखिए इसके मुझे बगल में दिख रहा है आठ सौ ठीक है तो मैं सत्रह घटा दूँ मेरे लिए आसान होगा ध्यान से देखिएगा तो मैं यहां क्या करूंगा सेवनटीन ना घटा दूंगा अब जब सेवनटीन घटाओगे तो ये आपको देखना जरूरी है कि सेवनटीन जो है चार का कितना गुना है सेवनटीन चार का मुझे दिख रहा है चार चौके सोलह सोलह के आसपास है और अप्रोक्सीमेट चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये इसका चार गुना है तो यहां पे भी आप क्या करोगे चार मतलब घटा दोगे ठीक है क्योंकि इसका चार गुना है इंटू फोर यहां भी इंटू फोर वन इंटू फोर क्या होता है फोर ठीक है तो टू फोर्टी थ्री में फोर घटाया मतलब टू थर्टी नाइन आ गया अब भाई टू थर्टी नाइन को एट हंड्रेड से डिवाइड कर लो ईजी है ना ये तो अब ईजी हो गया हमारा मोटो ये होता है कि डिनोमिनेटर दि, दि, को आसान बनाना ये देखो जरा आराम से कितना आएगा आठ से चौबीस होता है तीन नहीं जाएगा मतलब आठ दो नहीं सोलह सात आ जाए सेवेंटी नाइन आठ नौ बहत्तर यहां पे आया था सात सत्तर आएगा तो आठ अठे चौसठ मान लो सत्तर है तो हाँ ठीक है तो पॉइंट टू नाइन एट आएगा एक बार चेक कर लो जी आप लोग सभी लोग यही आ रहा है सबका ही आ रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट अच्छो वन टू नाइन वेरी गुड सबका आ गया लगभग ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग की इजाज़त हो तो और बस इसके बाद सेशन खत्म करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ठीक है चलो ये वाला बनाओ फाइव सेवन सेवन अपॉन टू सिक्स सेवन फाइव अभी नंबर ना थोड़ा बड़ाई कर रहे हैं अब आपको डर लगेगा बताओ कितना आएगा इसका इतना एक्यूरेट जरूरी है uh, सार्थक मैंने बताया तो कि देखिए ये एक्यूरेसी आपको तब लेनी पड़ेगी जैसे मान लीजिए तब आपको बहुत काम आएगा और बेसिकली काम में ही आता है ये मान लीजिए आप डी को सॉल्व कर रहे हैं वहाँ परसेंटेज पूछ लिया ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं तो फिर करना पड़ेगा ठीक है बहुत दूर दूर ऑप्शन है तो देख लो भाई लगभग ये पाँच गुना है तो पाँच गुना मतलब ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट के आसपास कोई ऑप्शन नहीं है ट्वेंटी टिक करके आगे चले जाओ लेकिन ऐसा होता नहीं है आप देखना ना डीआई वगैरह में होता नहीं है चलिए इसको जल्दी से बताइए कितना आ रहा है आप लोग का अब देखो मैं इसको बहुत स्पीड से करूँगा बहुत पहले तो सबको समझ में गया कि नहीं आया कोई पूछ रहा है कि आपको इतना सब कैसे पता है बस प्रैक्टिस से पता दोस्त मैंने बहुत प्रैक्टिस की है मैथमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है अब मेरे पास क्या होता है मैंने आपको बताऊँ मैंने मतलब मैंने पीओ वगैरह एग्जाम सीजी सीजीएल आपको पता सब दिए हैं तो मैथ्स में हमेशा आउट परफॉर्म करता था मैथ्स में बाकी चीज़ें ठीक थी इंग्लिश और रीजनिंग तो एवरेज था लेकिन मैथ्स में हमेशा आउट परफॉर्म करता था इसका रीज़न ये था कि मैथ्स बचपन से बहुत फेवरेट रही ना अपनी तभी तो आप लोग को मैथ पढ़ा रहा हूँ कोई चीज जब आदमी पढ़ाता है तो मतलब चलिए ठीक है कोई बात नहीं टू वन फाइव आ रहा है टू वन फाइव जल्दी से कर लेते हैं देखिए ये रेशियो लगभग वन बाई पाँच का है ओके अब क्या कर देखिए ध्यान से अगर मैं यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं जल्दी से देखिए यहाँ पर मैं काम करता हूँ ना पच्चीस जोड़ देता हूँ अगर मैं पच्चीस यहाँ पर जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा सत्ताईस ठीक है और टू डिजी से डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है अच्छा फिर अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अगर आपने ये वन एस टू फाइव में पाँच का पाँच गुना ऐड किया है तो एक का भी आपको पाँच गुना ऐड करना पड़ेगा अब एक इंटू पाँच होता है कितना पाँच ही होता है तो उसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका पाँच सौ बयासी अब सत्ताईस से इसको डिवाइड कर दो डिवाइड करना आसान है ना सत्ताईस दूनी कितना होता है चौवन बयालीस सत्ताइस एक सत्ताईस अब बयालीस में सत्ताईस के सत्रह सॉरी पंद्रह ये हो जाएगा एक सौ पचास सत्ताईस पंचे छ पाँच के आसपास आना चाहिए चेक कर लो यही आएगा एक बार चेक कर लो यही आ रहा है क्या ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव के आसपास परसेंटेज में और अगर वैसे वैसी करोगे तो जीरो पॉइंट टू वन फाइव के आसपास आएगा ठीक है हाँ ठीक है वेरी गुड जल्दी से लास्ट वाला बनाओ फिर छोड़ते हैं आप लोग को फिर क्लास होगा घंटी बज जाएगी ना बना से। वन थ्री सिक्स सॉरी वन थ्री थ्री सिक्स अपॉन टू एट 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 बना लोगे वैसे ही यार लगभग डबल दिख रहा है मुझे तेरह छब्बीस सत्ताईस ये लोग बना लोगे आप लोग ये लोग आप लोग होमवर्क करना ठीक है होमवर्क करना आप लोग चले एक बार आप बता दो ऑफिशियल मानसी भट्ट आपको समझ में नहीं आया ऐसा कौन कौन है जल्दी से बताओ दो समझ में नहीं आया मैं फिर खटा खटाक से करवा दूं आ गया समझ में ना आ गया आ गया कोई बोल रहा है रेशियो चेंज करिए रेशियो क्वेश्चन नहीं ये कौन बोल रहा है कह रहा है कि रेशियो वन बाई टू है सॉरी आपको इंस्टाग्राम में डीएम किया था दीपू यार इंस्टाग्राम में बहुत लोग डीएम आते हैं कुछ कुछ लोग से मैं बात कर लेता हूँ कल विशाल एक लड़का है उनसे बात हुई थी मैं कुछ लोग कुछ लोग से बात कर लूँगा ठीक है निकाल के 0.46 आ रहा है सबका ही आ रहा है जल्दी देख लेंगे ग्राक से देखो आ, क्या करोगे बताओ बारह जोड़ दें ठीक है ध्यान सुना अच्छा जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ देखिए जो ऐसे रेशियो होते हैं उनको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को आसान बनाने की कोशिश करते हैं अब आसान बनाने का मतलब ये होता है कि देखिए अब अगर मैं यहाँ पे कुछ अट्ठाईस सौ लिख दूँ उनतीस सौ लिख दूँ तो आसान हो जाएगा अब होता क्या है कि उसके लिए हमको एक अप्रोक्सीमेट रेशियो यूज़ करना होता है अप्रोक्सीमेट रेशियो मतलब ये इसका लगभग कितना रेशियो है अब देखो तो लगभग तेरह सौ छत्तीस मतलब सत्ताईस सौ के आसपास आएगा तो लगभग लगभग ये वन बाई टू के आसपास है ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे आगे भाई साहब आगे हम ये करेंगे कि मुझे ये दिख रहा है कि अट्ठासी में अगर मैं बारह जोड़, तो जोड़ दूँ यहाँ पे तो बारह जोड़ते ही मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा उनतीस सौ मिल जाएगा राइट उनतीस सौ मिल जाएगा ना सही कर रहा हूँ ना हाँ उन्तीस सौ मिल जाएगा ठीक है अब अगर आपने यहाँ बारह रहा है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक ये रूल होता है ए प्लस माइनस एक्स ए अपॉन बी प्लस माइनस एक्स बी ये हमेशा ए बाई बी के बराबर ही आता है इसका मतलब ये है कि कोई रेशियो है उस रेशियो में अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं एक्स ए और एक्स बी चाहे जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं तो वो रेशियो सेम रहता है वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ये दो का क्या है छः गुना है सिक्स टाइम्स है तो सिक्स टाइम्स अगर एक्स बी है तो एक्स यहाँ भी होना चाहिए तो सिक्स इंटू वन तो सिक्स इसमें आप जोड़ दो छत्तीस में छह जोड़ो कितना आ जाएगा तेरह सौ बैलिस आ जाएगा आई थिंक यार पेन खराब हो गई यार शिट ठीक है बैलिस आ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लो आप उनके से डिवाइड करके पेन चली गई यार ये चलो तो दोस्तों पेन भी चली गई यार अभी तो देख रहे हो भगवान भी साथ नहीं दे रहे अभी तो चलो ठीक है हाँ ठीक है हाँ सही बात है थोड़ा पूजा जिनको समझ में नहीं आया पूजा कह रही है आप लोग थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए जिससे बार बार बोलना पड़ेगा ना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये रह गया है और इस पर मेरे ख्याल से फिर हम खत्म ही कर देंगे इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन है ठीक है इसमें बेसिकली ये होता है जल्दी देख लो कि जो मैंने आपको बताया था ना अभी हजार बाई एक सौ पच्चीस साठ होता है ऐसे वैसे ठीक है तो जब भी आप किसी नंबर को पांच पच्चीस एक सौ पच्चीस से डिवाइड कर रहे हो तो वो वाली चीज याद रखना कौन सी चीज जो मैंने बताई थी अभी कि हाँ मैंने क्या बताया था आपको कि 25 को सॉरी 25 को आप क्या ले सकते हो 100 तो बाई चार ऐसे एक सौ को आप क्या ले सकते हो हजार बाई आठ ठीक है वो आपको फ़ायदा करता है कहाँ पे ऐसे जगहों पे ठीक है जैसे मान लो समझाता हूँ किसी नंबर को ना आपको पाँच से डिवाइड करना आप 4, 1, 2, है आप डिवीज़न सीख रहे हो जल्दी सीख ही लो खत्म हो जाएगा मान लीजिए फोर वन टू फाइव है ठीक है अभी हमको ना इसको एक सौ पच्चीस से डिवाइड करना है अब एक सौ पच्चीस से डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत जान हो जाएगा आप क्या करो ना डिनोमीटर को अच्छा बना लो अच्छा बनाने का मतलब मुझे पता है कि 125 सौ पच्चीस इंटू आठ होता है एक हज़ार तो ऊपर नीचे आठ से मल्टीप्लाई कर दो अब यहां हो जाएगा एक हज़ार जितना भी आएगा तीन डेसिमल प्ले तीन डेसिमल प्लेस छोड़ के डॉट लगा देना इसको आठ से मल्टीप्लाई करना आसान है कैसे आसान है भाई देखो ध्यान से चार को आठ से मल्टीप्लाई कर दो आठ क्या होता है बत्तीस और एक सौ पच्चीस एक और आपको हज़ार दे देगा तो बत्तीस एक तैंतीस और तीन जीरो थे तो हो गया तैतीस डायरेक्टली आंसर आ गया ना समझ में नहीं आया क्या समझ तो में आगे नहीं आया बताओ बोले आ गया ना सर नीचे नीचे डा, कारपेट डाल लो पेन गिरेगा कुछ नहीं होगा हाँ यार विनर्स इंस्टीट्यूट से ही करवाया कारपेट लाना है आप क्या ही बोलूँ मैं मोनेटाइजेशन से पेन आ जाएगा सर टेंशन मत लो <laughs> अरे ये पेन पता है बहुत महंगा आता है ये पेन एक जो है पेन है ना ढाई हजार रुपये का आता है ये तो एक पेन और है फिलहाल दो पेन है पाँच हज़ार की दो पेन थी ये पेन ढाई हजार की आती है चलो ठीक है समझ गया ना तो बाकी ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करिएगा मुझे होमवर्क में आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट में आपको दो चीज लिखनी है एक तो क्लास कैसी लगी और दूसरा ये बताइएगा कि इसका इसका मैं बता दिया इसका 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 तीनों ऐसे आंसर कॉमा आंसर कॉमा आंसर ऐसे करके लिख दो मैं समझ जाऊंगा आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है ठीक है जिनका आंसर सही होगा मैं इसको हार्ड कर दूंगा तो सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ सबका सही लिखा है ठीक है चलो क्लास कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा जरूर और शेयर कर दीजिएगा बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रहेगी और जैसा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी कि सीरियस हो जाइए थोड़ा सा प्लीज़ तीन चार महीने की बस मेहनत होती है अच्छी मेहनत होती है इसको जितना आप मेहनत कर लोगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा अच्छे से मन लगा के दिल लगा के इसको बोलते हैं पढ़ो अभी एनर्जी है अभी टाइम है ये मौका है ये वक्त है गंवाना मत बिल्कुल भी बीस से पच्चीस आप लोग की मैक्सिमम आपकी उम्र होगी इसको यूटिलाइज़ कर लो जितना जल्दी देखो जॉब में आओगे जितना जल्दी किसी करियर में आप एंट्री करते हो ना उतना ही आगे जाने के उतना ही अच्छे पैसे कमाने की आपकी वो होती है तो कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन जितना जल्दी जल्दी हो जाए वो अच्छी बात है जल्दी होने का सिर्फ एक रास्ता है कि जो जो छोटी मोटी आप गलतियाँ कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन जो भी आपके खराब हो रहे हैं उनको एनालाइज करिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है क्या प्रॉब्लम हो रही है वही आपको आगे ले जाएगा और दोस्तों बस यही बात ध्यान रखना कि बहुत दुख होता है कि जब किसी आस पास या फिर जो बगल वाले हैं उन लोगों जब हो जाता है सेम टाइप की आप पढ़ाई करते हो सब कुछ सेम मेहनत करते हो और किसी एक का हो जाता है उसका फ़ोन आता है कि भाई पड़ोसी का कि हाँ मेरा हो गया तेरा कैसा रहा तो बहुत ख़राब लगता है ठीक है बस इस मेहनत से इस मोटिवेशन से करिएगा आप पाप के पापा में सब लोग एक बहुत अच्छे मोटिवेशन से आपकी तरफ देखते हैं कल तो विशाल का एक लड़का है उसका फोन आया तो उसने यही बोला था सर मम्मी का सपना है मेरा ऑफिसर बनने का जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन तो मम्मी बहुत खुश होंगी तो मैंने कहा बेटा तू तो ये सपना पूरा कर ले और फिर जैसे ही हो जाए ना मुझे फिर वीडियो या फोटो भेजिए ठीक है चलो फिर ऐसे ही आप लोग से कनेक्ट होते रहते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे जो लोग ये बात होती है ये इंस्टाग्राम पर कई लोग से बात हो जाती है बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं उनकी तैयारी करिए एंड ठंडी से बच रहिए बाय बाय टेक केयर